जीता था जिसके लिए दिलवाले इज्जत की करते उन्होंने जिंदगी तो... में इतनी खुशियां दी है ना कि उनके पिंडलियों में जो लगा है तो मैं उससे बहुत दुख <laughs> <सुची। laughs> मिथुन के साथ जिन जिन हीरो ने काम किया नाम ही नहीं पता होगा कितने लोगों को पहली बार आप देखेंगे क्योंकि वो आए टूट किए बैग में पैसा लेके आपके स्क्रिप्ट रेडी है एक्टर्स रेडी है होटल उन्हीं का इक्विपमेंट उन्हीं का प्रोडक्शन उन्हीं का सब कुछ दो महीने पिक्चर तैयार बिहार यूपी में बवाल गरीबों का अमिताभ बच्चन फिर गोविंदा आए तो ये हो गए गरीबों के मिथुन चंद्र <laughs> और फिर आया वरुण धवन हाँ। जो हुआ गरीबों का गोविंदा <laughs> जहर को जहर काटता है लोहे को लोहे काटता है एक दिन देखिएगा आपको कुत्ता काटेगा दादा साहब फालके इनको मिला है वतन के रखवाले में दीवार पे चढ़ गए थे मकड़ी की तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन के लात मार क्या के क्या मूवी का नाम लिया मिथुन की पिक्चर देख के आए हाँ। और है। नहीं नौ से बारह रात में हाँ। तो सड़क सुनसान है हाँ। और अपन बिजली के खंभों में कराटा मारते चले आ रहे, रहे। ए घर जा रहा हूँ चलेगा क्या जिस थाली में खाता है साला तेरी में फेंक करता है तेरी जात का कुत्ता पालू <laughs> प्यार कभी कम नहीं करना नहीं करना बप्पी दाने का <laughs> नहीं करना तो वो दिन भर जुआ वो खेलते थे और रात के सपने बबुआ थे तीन का कलर प्लस इतना कचाल अगर ताजा बूंदी देखना है ना तो <laughs> बूंदी जाओ <laughs> बरसात में जाओ <laughs> गर्मी में बहुत पथा गर्मी। यूं उंगली बढ़ाई तो मैंने उनकी उंगली छू लिया अच्छा पकड़ लिया तो उन्होंने कहा नहीं चूसो तो मैंने चूसा ऐसा शहद मैंने जीवन में टेस्ट लाहौल वाला तो मैंने कहा कि आंखों देखा वाक्य है कि गांव में नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठे एक चचा ने धुंधली आंखों से अपने लड़के को कहीं जाते हुए देखा और आवाज़ लगाई कहाँ जा रहे हो तो उस जाते हुए लड़के ने कहा आ रहे हैं और चला गया और जब वो लौटता है तो चचा फिर उससे पूछते हैं कि कहाँ गए थे वो तो कहता है कहीं नहीं और घर चला जाता है तो चचा ने उठकर कुछ विशेषण उसके नाम पे जोड़ते हुए कहा कि देखो जब जा रहा था तो कहीं कहीं नहीं कि आ रहे हैं और आ रहा है तो कह रहा है कहीं नहीं तो सवाल और जवाब के बीच एक रिश्ता होता है जो सिर्फ शब्दों से तय नहीं होता जैसे गब्बर के एक ही बार पूछने पर कि कितने आदमी थे कालिया ने उत्तर दो थे सरदार एक ही बार में जवाब दिया और सही जवाब के इनाम के तौर पर गब्बर ने उसे शाबाशी के बजाय गोली दे दी तो आजकल जवाब देने के बजाय सवाल पूछने का चलन है चलन है सवाल के बदले में एक नया सवाल दाग देने और उत्तर जाने बगैर ही आगे बढ़ जाने का आप इन जी से पूछ रहे हैं उन जी से कौन पूछेगा ये भी एक यक्ष प्रश्न है तो प्रश्नों के क्रम में और बताओ जैसे सवाल हैं तो सब बढ़िया जैसे सादे उत्तर भी इस प्रश्नवाचक वातावरण में किसी भी तरह के सवालों के भार से मुक्त शुरू करते हैं तीन ताल सीजन टू का बहत्तरवा एपिसोड कमलेश ताऊ आसिफ खानचा और कुलदीप की गैर मौजूदगी में मैं यानी जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ जय हो जय हो जय हो, हो बहुत दिनों के बाद आया हो ठाकुर <laughs> आज वो <उटाया laughs> <फार के नीचे। laughs> नहीं पहाड़ तो कैसा लग रहा है आज तो दो अक्टूबर है आज तो ड्राई डे भी है तो होने तो मैं किसी दिन के भरोसे पर नहीं रहता है आदमी तुम्हारे पास मतलब तो आपके पास जो पैसा है <laughs> तो ऐसा थोड़ा एक ही दिन को है <laughs> इंतजाम से चलते हैं इंतजाम रहता है सब नहीं ये तो अच्छा है बहुत देखो अखबार अखबार में एक दिन पहले ही आ जाता है कल दो अक्टूबर है मतलब तो ये नहीं लिखते हैं दुकान और जयंती पड़ती है लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते अक्टूबर को गांधी जी की जयंती हाँ, तो पड़ती हाँ। है और दो अक्टूबर को ड्राईडे होता है कोई सेलिब्रेशन नहीं तो आपको हर साल हो रहा है शुरू से ऐसा ही है चौदह जनवरी को हाँ। मकर संक्रांति होता है और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती चौदह को ड्राई नहीं है अद्दो को ड्राई है शुरू <laughs> से है। क्योंकि हफ्ते में होते हैं दिन चौदह इस हफ्ते में सबसे जो बड़ी खबर फिल्मी वर्ल्ड से जो रही हुई रही थी गोविंदा साहब की आपने सुनाई होगा उसमें उनको गोली लग गई पैर पे मगर भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है गोली कैसे लगी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की मैंने पूरा पता किया हाँ हाँ इसमें क्या था रात में वो हर आदमी सुबह पाँच पीछे का जा सोचता है कि दस साल पहले हम ये थे हम ये करते दस साल पहले भी कुछ नहीं थे नहीं नहीं पंद्रह साल हो गया हाँ, हाँ पंद्रह साल नहीं नहीं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ तो गोविंदा भी कुछ ऐसे ही सोच रही पंद्रह बीस साल पहले हम ये सब थे तो रिवॉल्वर अपना लिए थे कि एक ज़माने में चलाया करता था और उससे मैं गाना गया अखियों से गोली मारे तो नाल जो था नीचे था और वहाँ पैर था तो दब गया लगा कहाँ है पैर, पैर पे टखने के ऊपर घुटने में घुटने के नीचे कहाँ लगा है टखने के नीचे लगा है जहाँ तक मुझे तो पिंडली वाला जो एरिया पिंडली वाला जो एरिया होता है जो अक्सर हम मालिश में दबाते हैं अच्छा।, अच्छा लगता है वह गोब अपना ही तो गाने का असर था और सैयाँ हमारों आँखियों के जगह पैर पे सुबह कर क्या रहते हैं उसके साथ मतलब गन के साथ पाँच बजे मतलब एक सवाल ये भी तो है तो एक्टिंग नहीं है ज्यादा उनके पास अभी नहीं नहीं ब्रह्म वेला में उठते हैं तो ये मैं बता सकता गारंटी के साथ तो बंदूक के साथ क्या कर रहे हैं क्योंकि थे? वो पहले भी बार, उनके बारे में मशहूर था कि वो हर जगह लेट पहुँचते हैं जो आदमी अर्ली उठता है ना दिन भर वो सब जगह लेट पहुँचता है उसको नींद आते रहती है हमेशा हाँ ब्रह्म वेला में उठने से अरे तो वो ब्रह्म वेला में उठते हैं उठते बहुत जल्दी से बड़ा धार्मिक किस्म का आदमी है तो पूजा वूजा भी अस्त्र पूजा कर रहे थे अस्त्र पूजा नहीं कर रहे थे हाँ। पूजा कर रहे होंगे और उसके बाद सफाई जो है ना कर रहे थे चल उसी पर वो क्या है कि उनको सफाई की आदत नहीं है जानते नहीं कैसे जिस तरह की फिल्म उन्होंने की क्योंकि और... नाल साफ नहीं कर रहे थे गोली भी निकालना पड़ता है ना बहुत दिनों से चलाए नहीं तो ट्रिगर का जो होता है ना वो भी गंदा हो सकता है कई चीजें हैं लेकिन आपने बंदूक कभी साफ किया था गाँव में दुनाली किया है दुनाली भी हम भी किया है नहीं उस हमारे हाथ में नहीं आया साफ करने के लिए नहीं आया एक मेरे बड़े पिताजी होते थे जो इंतकाल कर गए करके बड़े उनको हम लोग बुलाते थे उनके पास पिस्तौल था लेकिन जिंदगी में कभी चलाए नहीं थे तो दो तीन छः महीने में साफ़ करवाते थे तो ललन चचा हमारे होते साफ़ करते थे तो बोलते थे कि एक ठेज गोली दाग के भी देख लो कि सब सही चल रही कि नहीं चल रही तो वो दूसरे दूर जाके कान में उंगली डाल के खड़ा हो जाते थे कि लल्लन चचा अपना दिच क्या हो सही है भैया चल गया रख दो लल्लू ले आ आराम से तो गोदरेज का अलमारी जो होता था तो उसके सेफ में रख के तो आइडिया ये था कि अगर मान लीजिए उनके घर पर कोई आता भी तो इतना डरते थे बंदूक चलाने में क्या ही चलाते नली आगे से अरे वो फ्लावर वाला अलग है अरे वो जेनविन था भाई जेनविन था मतलब की हिम्मत नहीं हो ना तो रखना जानलेवा होता है क्रिमिनल को चलाने में दिक्कत नहीं होती छीनना आपको निकालने में दिक्कत नहीं होती कोई क्रिमिनल आ जाएगा तो फट से निकाल लोगे मेरे लेकिन लाइसेंस ही नहीं हुँ। और हुँ। वो जो प्लान नहीं कर रहा था ट्रिगर इतना आसानी से नहीं दबता आप छुई मुई के पेड़ की और टक से चल गया मेहनत लगता है लेकिन बोल रहे हैं कि सुबह जो है ना वो उनको कलकत्ता जाना था अच्छा तो वो अपना तो अपना पिस्टल जो है वो अपने तकिए से हटा के आलमिर में कहीं पे का नीचे से? बीवी का भी डर होता है। कबर्ड में रख रहे थे सर। <laughs> तो वो गिर गया तो जैसा पिक्चर में बिहेव करता है पिस्टल वैसा करने चलने लगा वो घूमने लगा नीचे बॉलीवुड है भाई हाल है भाई पर पर कुछ भी कहिए गोविंदा मेरे फेवरेट स्टार अरे क्या बात कर उन्होंने जिंदगी में इतनी खुशियां दी है ना कि उनके पिंडलियों में जो लगा है तो मैं उससे बहुत दुख था। <laughs> था। नहीं, नहीं, नहीं की बात नहीं तो उम्मीद है वैसे यार उस आदमी ने अपने को इतनी खुशियां दी हैं इतनी खुशियां दी हैं इतनी खुशी वाकई तो में एक दौर था गोविंदा कादर खान की जोड़ी और जॉनी लीवर लि, कितनी फिल्में थी जिन्होंने एक साथ साइन की थी शायद चालीस पचास एक साथ एक, एक ही महीने में गोविंदा बहुत फिल्मों में काम करते थे अप्रेंटली कभी कभी सब जगह लेट पहुंचते थे, थे। मगर तीन तीन फिल्में एक दिन में कर रहे होते कर थे, होते थे, थे शूट कर रहे यहाँ से वहां गए कैरेक्टर भी उनका बहुत अलग नहीं होता था एक ही जैसा होता था तो उसमें कुछ मैनरिज्म अलग हो जाता था किसी में कैरेक्टर कुछ ऐसा बोल देगा कुछ उसकी जबान लड़ रही है वो सब करना ये सब थोड़ा करते थे पर बाद में भी ना ये भागम भाग हाँ एक जो अक्षय कुमार के साथ बहुत पार्टनर भी जो मतलब उनके पीक के बाद आई पर उसमें भी छोटे मिया, मिया, मियाँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट बड़े छोटे अमिताभ बच्चन में मतलब लंबाई में उनसे ज्यादा है पर उस फिल्म में बराबरी कर ली थी उन्होंने लेकिन गोविंदा ने कुछ सीरियस मूवी भी की है जिनको आप जो नहीं हैं जो नहीं चली एक राजेश खन्ना के साथ चली थी स्वर्ग स्वर्ग वो, वो कमाल की मूवी थी उसमें और एक इनकी और थी बच्चे वाली फिल्म थी जिसमें बच्चा गूंगा होता है पहले ही फिल्म पहले थी उनकी हत्या हत्या अच्छा वो स्वर्गीय फिल्म थी ना इसमें राजेश खन्ना के साथ वो थे इसमें उनको नौकर होते हैं जिनको नौकर भाई की तरह मानते हैं बाद में एक्टर उनकी पहली फिल्म थी कीर्ति कुमार ने डायरेक्ट किया था उनके भाई थे कीर्ति कुमार ने किया था वो अच्छी फिल्म थी वो बच्चा हमेशा या फिल्म जो है ना उसमें कोई कहानी थी बहुत वो अच्छी फिल्म थी एक फिल्म के तौर पे अच्छी फिल्म थी पर गोविंदा जिसके लिए जाने जाते हैं वो तो यार कॉमेडी है वो और जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स होते हैं कभी नहीं माना गया। मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पे उनकी पहचान कम हुई शायद क्योंकि अदाकार जैसे कहते हैं जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है या इस तरह से जो सीरियस क्योंकि उनकी उनकी उनका चेहरा थोड़ा चॉकलेट ही था

2001 के बाद जब कंपनी जैसी वगैरह का टाइम रहा है राजा दूल्हे राजा कि ये चार माला एक्स्ट्रा बना है तो कादर खान बोला ठीक है मैं तोड़ा मैं नीचे से तोड़ूंगा चार माला <laughs> पूरा बिल्डिंग डाने की बात कर रहा है उसका ढाबा सामने होता है गोविंदा साहब का आंखें धवन की

वो डब्बू डबुदा जो थे, जो थे वो थे थे बिल्कुल वैसे ही, वैसे कर ही, ही, ही कोशिश की देखिए आप मजा पर जो मैं बात मैंने कही कि आपको नहीं लगता ये गोविंदा में अभी और झस बाकी था अभी वो कर सकते थे अभी अभी, अभी, है। है। अभी भी है अभी तो स्किल दिखाया उनका चक्कर क्या है उनकी या तो उनको मतलब बेसिकली उनको फिल्में वैसी नहीं मिल रही जैसी उनको करनी चाहिए या तो लोग वैसी फिल्में ऑफर कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं जैसा वो करते थे उनका जब सवाल शुरू हुआ जिस टाइम पे थोड़ा वो ढलान पे आया उस वक्त उन्होंने बहुत अजीब अजीब फिल्में की भी उन्होंने आ, क्यों मारेगी वो पता कौन कौन सी फिल्में थी जो आप बाद में देखते तो वारा वारा बहुत अच्छी फिल्म थी वो तो अच्छी फिल्म थी उसी के बाद उसी से कुछ मिलती जुलती और भी फिल्में थी जिसमें प्रेम चोपड़ा थे और मोनीश बहल थे वो फिल्म अरे एक और एक ग्यारह थी

और रात खान में कादर को मेरे गरीब दोस्त उसको घर ले आते तो, उसका थे थे पैर दबाते खाना खिलाते थे तो, और सुबह उठ के तो बिस्तर और एक उठ के ये मेरे पास आया कैसे गरीब कमी ने फिर रात में ले क्या थी यार, उसमें दर्द उसमें कहानी है कि वो जिसे प्यार करते हैं वो बिछड़ जाती है बड़ी अच्छी हीरोइन थी सर तो

में फंस गए अमिताभ बच्चन हुए बहुत हुँ। बड़े हुँ। फिर हुए मुथिन चक्रवर्ती वो थे गरीबों के अमिताभ हाँ। लिखा भी जाता था पत्रिकाओं में लिखा जाता था पुअर मैन पुअर मैन अमिताभ बच्चन गरीबों के अमिताभ बच्चन फिर गोविंदा आए तो ये हो गए गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती और फिर आया वरुण धवन हाँ। जो हुआ गरीबों का गोविंदा बिल्कुल हाँ। डेविड <laughs> धवन के बेटे थे और डेविड धवन ने सबसे ज्यादा मूवी मेरे ख्याल से गोविंदा के साथ ही बनाई होंगी और अब जो है गरीबों के वरुण धवन लोग भी आ गए हैं तो हम हम गुरबत की एक अलग मिसाल कायम की मिसाल है मिसाल हाँ तलहटी छू रहे हैं बॉस मतलब तो पिछले 20 साल से गिरता जा रहा है इसका लेवल जो है गोविंदा की वो जो मूवी थी सर राजा बाबू कि जिसमें वो हर कैरेक्टर में डॉक्टर भी हैं है। तस्वीरें लगी है। कपूर के साथ जो उनका जो गाना था नंदू, हाँ, नंदू, 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 ना कैसे कटे दिन कैसे कटरी रात है पूछना चाहती है जुदाई की वो बात नंबर आप ये बातें कर रहे थे बाबरची राजेश खन्ना वाली राजेश खन्ना वाली थी वो था पर उसको कहीं से ऐसे कमी लगती नहीं उसने भी अरे सर बन्नू कपूर वाली मूवी दीवाना मस्ताना दीवाना मस्ताना आ, बहुत अच्छी आई एम फाइन आई एम गुड आई एम फीलिंग बेटर उसमें बेबी स्टेप्स <laughs> बन्नू और पप्पू पेजर का संवाद <laughs> बहुत अच्छी थी बहुत बहुत पर कादर खान के साथ जो इनका इनकी जोड़ी थी वैसी जोड़ी नहीं दिखती है ना ना, ना।, ना ना कादर खान के साथ एक अजीब तो ही दोनों के बीच की चाहे वो दोस्त बने हो चाहे वो बाप बेटे बने हो चाहे वो दुश्मनी चल रही उनकी लेकिन वो कमाल का एक जैसे शक्ति कपूर के साथ जो जो था वैसे ही कुछ, हाँ। कुछ कादर खान जैसा था कादर खान शक्ति कपूर जॉनी लीवर ये इनके एक बात उन लोग देखो एक, एक सबसे बड़ी बात यह आपने बोला ना कि नवाजुद्दीन या इस तरह के लोग जो सीरियस एक्टिंग में एक्टिंग चॉप्स के लिए जाने जाने लगे गोविंदा के साथ ऐसा नहीं हुआ आ, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हर पीढ़ी के लोग फिर उनको वैसे ही लेते पर हकीकत यह है कि जो फिल्में इन्होंने की ना वो बहुत मनोरंजक थी करेक्ट और भारत में मनोरंजक फिल्मों की भी आवश्यकता है बिल्कुल और फैमिली के साथ बैठ के आप उनकी मूवी देख सकते हाँ। थे अलग अलग नहीं देखना पड़ता थोड़ा सा डाउट भी है बीच बीच में फैमिली लाइक नहीं रहता था कुछ कुछ ठीक है इतना लेने जा सकते हैं

क्या एक्टिंग की गोविंदा ने उसने फिल्म में इससे इस फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी मतलब हमें हम तो उनको तो पे उनके रोल पे वो बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं अदाकार हैं अभिनेता हैं अब दुर्घटना पे यार किसी का मतलब हंसना नहीं चाहिए पर अपन तो हर चीज पे हंस लेते हैं और हम ये मान कर चलते हैं क्योंकि हम गोविंदा के प्रेमी हैं कि दुर्घटना नहीं थी मिस हाँ, फायर था मिस फायर हो गया गलती से मिस्टेक कर बैठे इतना ही छोड़ देते हैं ठीक है दूसरी खबर जो पर पर राधा का है संगम। वो नर्स वो लेटे हुए हैं और नर्सेस हैं उनको बट्टी वट्टी जो है उनका हुआ होगा सिलाई उड़ाई होगी अभी लेटे ही होंगे तो आवाज जो मैंने सुनी ऑडियो में काफी उसमें थकान है वो अरे गोली, गोली लगा आपको <laughs> क्या बच्चों गोली थोड़ी खाएं। गोली तो लगा है। मतलब वो उम्र वाली थकान जो होती है मेरा कहने का मतलब है अभी हो आपको दाग देना <laughs> उनसे ज्यादा में पट्टी बंधी है उनका जीवन उद्धार हो गया होगा लेकिन लेकिन वो रियल लाइफ में गुस्सा भी बहुत आता है

हाँ। साइकिल हाँ। <laughs> <था। laughs> <laughs> वो लोग कोई कंफ्यूजन नहीं करते कि हम माइथोलॉजी में जा रहे हैं भाई हम ही हैं शाम और ये है राधा डिसाइडेड जस्ट लाइक अस हम मान लीजिए जल्दी से ठीक हो जाए हाँ यही है न

जैसे एक सुनते राज कपूर का कि जब उन्हें रश रशिया में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी तो जब वो बुढ़ापे के वक्त किसी ने वहां बुलाया क्या पाई है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया बूढ़ा दिख रहा दिखूंगा और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वैसे देवानंद जब उन्होंने उनका इंतकाल हुआ देवानंद बूढ़े नहीं हुए थे इंतकाल इसी वजह से देखे यंगेस्ट मैन डाइज एट

तो हमारे जो मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं जो सुपरस्टार स्टार उनको दादा साहब फाल के अवॉर्ड से नवाजने की खबर आई है अमी एक कोबरा यही बोला था ना उन्होंने एकटा कोबरा अमी एक बहुत जबरदस्त थे जो शिकायत हमको गोविंदा से थी उस तरह की फिल्में भी उन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में है टाइप की फिल्में पहली फिल्म पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड तो है वो तो कमाल के आदमी है पर यह है कि जय कन्हैया लाल की दादा फाल की, <laughs> फाल की। पर उनका तो एक्शन जो था वो जो जैसे हम गुंडा की बात तो हुई थी तीन तार नहीं, नहीं नहीं इनको उसके, उसके, लिए दादा साहब दादा साहब फालके उसको <laughs> इनको, उसके लिए नहीं मिला लिए दादा, दादा साहब <laughs> फालके इनको मिला है वतन के रखवाले में दीवार पे चढ़ गए <laughs> थे मकड़ी की तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम <laughs> न्यूटन के लात मार के <laughs> क्या मूवी का नाम लिया चढ़ गए थे और वो कोई एक्टर दूसरा अगर कोई करके दिखा दे तो <laughs> मतलब ऐसे 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 वहा तो उनको दादा साहब फालके मिला अरे मैंने एक फिल्म देखा उन्होंने अपनी उंगली ऐसे की और उसको ऐसे शार्प किया और दीवार में मारी ऐसे ऐसे ही नहीं दीवार में छेद हो गई फिर उन्होंने उसके अंदर अपना पेन लगाया और उसपे कमी स्टार्ट नहीं ये मूवी का सारांश ये नहीं था मतलब ये था की आज के हम देखते हैं देशभक्ति के लिए एक से एक फाइटर मूवी आई घुस के मारेंगे और ये करेंगे हाँ। तो देशभक्ति का जज्बा हम सब में होता है और फिल्मों में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है मिथुन दा पहुंचे पचास साठ लोग घेरे तो उन्होंने टोपी और वर्दी पहन रखी थी तो उसपे दाग न लग जाए तो इसे उंगली घुसा के दीवार में पेले छेदा हुआ पेन घुसा टोपी टांगे टोपी टांग उसके बाद सबके नरेटिव में यही गला में तो यहाँ कुछ ऐसे गार्ड बन के गया वर्दी की इज्जत इज्जत उन्होंने हम ना बंगलोर में रहते थे अभी तो वहाँ बहुत चलता है कि हिंदी नहीं बोलने देंगे हाँ। हिंदी बोलने पे वो लोग ऑटो ऑटो वाले परेशान भी करते हैं थोड़ा सा जब हम पढ़ते थे तब वहाँ क्या होता था कि एक ना हमारे ग्रुप के एक लड़की को एक लड़के से कुछ हो गया तो हमें क्या पता था कि दोनों में रजामंदी है तो अपने को बहुत बुरा लगा अपन प्रोटेक्टिव बहुत होते थे तो थर्टी फर्स्ट की रात थी और सब जगह पार्टी हो रही थी हम लोग भी एक जगह पे नए साल सेलिब्रेट को तो बुला रहे थे तो हम मुझे याद आया कि जो हुआ वो गलत हुआ तो मैं रात में चढ़ चल पड़ा यशवंतपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके उन लोगों के सोसाइटी में उस समय इतने गार्ड वार्ड नहीं होते सोसाइटी में अब थर्टी फर्स्ट की नाइट का बाहर था अंदर घुसे उस फ्लैट में गए हमने घंटी बजाई वो आया तो हमारी हमारे ग्रुप की वो लड़की भी वहीं बैठी हुई थी तो मैं, हिंद, मैं मेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं है और उतने मूड में इंग्लिश बोली भी जाता आदमी तो अपन हिंदी में बोलने लगे <laughs> उसको समझ में भी नहीं आ रहा है नहीं नहीं उसको समझ में आ गया समझ तो में आ गया उसको उसको समझ में आ गया तो अपन ने उसको पहले अपने आप को चेक कराया कि आओ पूरा मेरा चेक करो एक ब्लेड नहीं मिलेगा मैं तुमको उंगली से मारता दूंगा <laughs> तो मेरी दोस्त बहुत परेशान हो गई उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम तुम लोग पागल हो बैठो तो हम सभी एक ही हैं ये वो मैंने कहा नहीं नहीं चेक आ, कर लो बाद में मत कहना मैं कुछ हथियार लेके नहीं आया हूँ पर मैं उंगली से मार दूंगा क्योंकि मैं एक उंगली से मार दूंगा एनी <laughs> वे तो।, anyway, तो दूसरे दिन फिर हमारा मेल मिलाप कराया गया एक फेट गाड़ी में हम दोनों बैठ के कहीं आइसक्रीम खाने भी गए उसने बोला कि बहुत डर गया था सब लोग उंगली से तो मार दोगे कि तुम तो बोला क्यों डर गए थे भाई तुम हिंदी में बोल रहा था ना हिंदी, हिंदी में शिवाजी नगर के लड़के बोलते है। <laughs> तो शिवाजी नगर थोड़ा सा बदमाशों बदमाश वाला इलाका माना जाता था और वो मुस्लिम बहालू इलाका था ओ, तो वो तो उर्दू बोलते थे सोने पे सुहागा वो कन्नड़ा नहीं बोलते थे तो वो तो उनको ये डर लगा कि खतरनाक, लोग है भाई देख देख है। क्या पता उंगली में क्या छुपा के लाए एनीवे मिथुन दा ने मैंने मिथुन जात से ये सीखा, ये सीखा था ये सीखा था बहुत अच्छा था लेकिन अब ये नहीं जमशेद भाई कहीं आप तोड़ देगा वो उंगली आप दिखाई वैसे उंगली तुम्हें अजय तो... देवगन तोड़ता है ना अजय देवगन को नहीं दिखाना चाहिए वो दिव्य दिव्य शक्ति फिल्म नहीं 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 नहीं

तीन सौ नब्बे में एक सौ अस्सी है, है। करोगे तो उतनी नहीं तो होगी उनकी भी निकल आएंगे तो ये भी तो उनके बारे में ये भी मशहूर था ना कहते थे कि पूरी जो कास्ट और है वो हमारे होटल में रुकेगी ऊटी में उनका है पूरी व्यवस्था बड़ा अच्छा बिजनेस लेके साथ बिजनेस मॉडल है कि अगर तुमने हमें एक्टर लिया है नहीं नहीं उनका है कि आप पैसा लेके जाओ हाँ लो बजट की मूवी और वहाँ रुको आप होटल में रुकीये मिथुन के साथ जिन जिन हीरोइन ने काम किया नाम ही नहीं पता होगा कितने लोगों को पहली बार आप देखेंगे क्योंकि वो आए शूट किए बैग में पैसा लेके आपके स्क्रिप्ट रेडी है एक्टर्स रेडी है होटल उन्हीं का इक्विपमेंट उन्हीं का प्रोडक्शन उन्हीं का सब कुछ दो महीने पिक्चर तैयार बिहार यूपी में बवाल देखो नहीं वो कांति शाह नाम के बहुत प्रतिभाशाली डायरेक्टर थे, थे बिल्कुल जिन्होंने तो उनके यहाँ उन्होंने एक दिहाड़ी सिस्टम बनाया था कि तो उसमें बहुत सारे बड़े कलाकार काम करते थे उसमें जनरली खलनायक का रोल करते थे मिथुनदा हीरो कुछ ऐसे भी तो जो बाद में बड़े हो गए हाँ तो उन लोगों को ये था कि वो कहते थे आज आ जाओ बुधवार को कुछ करते हैं। एक शूटिंग करनी है तो पूछते भी नहीं थे क्या करना है क्योंकि कहानी इनके पास भी नहीं होती थी <laughs> उसी समय बना तो देते थे ये सीन बाय सीन चलते थे बनाई थी ना हाँ तो उसमें दा बहुत काम करते थे क्योंकि वो बहुत हेडेक नहीं है पर डे वाला काम है हाँ वो आपका पहले जीएसटी नहीं होता था टीडीएस काट के <laughs> वहीं पे और ये नहीं है कि इस फिल्म के किसी ने पंद्रह करोड़ लिए पांच करोड़ वो नहीं था दिन का देंगे दो हजार हाँ, और जाइए तो वो एक अच्छा सिस्टम था उसमें मिथुन दा ने बहुत सारी अच्छी फिल्में कर डाली और मिथुन दा ने सबसे ज्यादा जो इज्जत दिलाई है गुली को ये हिंदुस्तान का गोली तो अमिताभ बच्चन ने भी की नहीं यार अमिताभ बच्चन तो रेलवे स्टेशन थे गुंडा में एयरपोर्ट पे उतर गए अच्छा। तो तो आप एयरपोर्ट पे खुली पहली बार हमने मिथुन दा को देखा था तो इस बात के लिए भी उनको एक सलाम है <laughs> उसमें तो कुछ भी हुआ भाई साहब हाँ वो सांप वाले स्टाइल में जो मारते थे सुझाव एक बार तो लगता था कि हाथ छुड़ाने पड़ेंगे जब वो ऐसे करके ऐसे कुछ कौन कौन से बन जाते ब्रेक डांस वही लेके आए इंडिया में डिस्को डांसर वाले में मिथुन दाई थे जिन्होंने कराटे शुरू किया लोग तो कराटे समझते थे, कराटे के मास्टर कराटे, कि कराटे को उनको नहीं पता? बस उसकी, वो अपनी फिंगर्स ने ऐसे कर लेते थे कराटे उंगली घुस जाएगी स्कूल में ट्राई करते थे कराटे से मारते थे यहाँ गर्दन अरे भाई साहब जनरली क्या होता था कि मिथुन हाँ। की पिक्चर देख के आए नहीं नौ से बारह रात में तो सड़क सुनसान है और अपन बिजली के खंभों में कराटे <laughs> तो मारते चले आ रहे, रहे। और फिर सुबह में तो बहुत तकलीफ हो रहा चार है चार दिन के लिए बहुत तकलीफ और वो भी करते थे ना मिथुन दा की पिक्चर देख करके जैसे आज आज नहीं मतलब साजन मूवी जब आई थी संजय दत्त पीछे के बड़े बार मिथुन तब बड़ा करके रखते थे अब बेस्ट पार्ट होता था आप उनके टोन में बोलते मई ए घर जा रहा हूँ चलेगा क्या जिस थाली में खाता है साल तेरी में करता है तेरी जात का कुत्ता पालू इसे सब मिथुन दाई बोल सकते हैं यार जिस ताली में कहाता है उसी में चेत करता है और बेस्ट था इसको काटने की जरूरत नहीं है आप सुन सकते हैं इन्होंने वो मूवी आई थी दलाल बहुत अच्छी मूवी थी हाँ। राज, राज बब्बर थे उस दरिया पे लोटन का कबूतर चढ़ गया था चढ़ गया था हाँ चढ़ गया था वो लोगों के दिमाग पे जुबान पे गाना चढ़ा हुआ था उसमें आज अभद्रता इतनी ज़्यादा है ओ वगैरह पे गाली खुलेआम चल रहा है उससे मिथुन दा ने दिखाया कि आप सौम्य शब्दों में भी कितनी बड़ी बात कह सकते हैं करेक्ट उसमें सारे गुंडे घेरे हैं पिस्तौल उठा लेते हैं मिथुन दा बोलते हैं कोई भी साल आपकी जगह से हिला तो अग्नि कुंड में गोली मार दूंगा कौन से अग्निकुंड में गोली मार दूंगा तो इसमें उन्होंने अपनी बात भी कह दी इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है मुझे मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति है तो ये संस्कार भी यस है। yes. है? तो मिथुंदा का और बहुत बड़ा है गोविंदा साहब गोली मार ली पार में वो अलग बात है लेकिन वो भी सही हो जाए और मिथुन दा तो है वरना वासेपुर में कहना पड़ता था इतने छेद करेंगे और ये हाँ, ऐसे गोली मार देंगे ये कर देंगे तरीका गलत है अग्नि कुंड में गोली अग्निकुंड में गोली मार देंगे काफ़ी क्रिएटिव ये लाइन सुनिए मुझे एक ही है कि यार ये दादा साहब फालके अवार्ड ना तब देते हैं जब आदमी दादा साहब फालके हो जाता हाँ थोड़ा पहले देना ये पहले हैं जो काफी यंग दिख रहे हैं बाकी शम्मी कपूर को जब मिला था व्हील पे थे बाकी कई मरणोप्रांति दे देते हैं दो पहले ये दो पहले कंटेंट बहुत सारे एक कंटेंडर हैं उसमें फिर सबको देते ये भी देखते ना कि जिस को दे रहे हैं वो कहीं कुछ ऐसी बदमाशी ना कर जाए बीच में उसको एकदम ऐसे टाइम पे दो ऐसा इसलिए भी थोड़ा इनका मैं अग्री करता हूँ ऐसे लोग ना कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्ली दे देना चाहिए हाँ ताकि सेलिब्रेट कर सके वो नहीं अब जाओ नहीं फिर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले नहीं अब नहीं चाहिए जैसे मैंने अभी Prime पे ना कॉल मी बे करके कुछ आया है। आ, जी, जी, अनन्या पांड़े पांड़े की, जी देखने लगा मुझे जो है यही बहुत बढ़िया पीक है माफ करो बहन और नहीं एक मूवी आई है

तो इस हिसाब से गोविंदा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दे, अवार्ड देने का टाइम सही है ये गोविंदा को दे नहीं अभी मैं चाहता हूँ दो चार चीजें और करें वो मिथुन दा का क्या है कि अब उनको राजनीति में घुस गए सीरियसली हाँ एक बार और उनकी एंट्री हुई थी तब चले नहीं फुस हो गए अब दोबारा आए हैं नहीं उन्होंने नहीं नहीं ठीक है वो फुस राजनीतिक आदमी नहीं है वो पर अच्छा है जब सोनिया गांधी ने शपथ लेने से जब इनकार कर दिया था जब पीएम बनने के वक्त तो वो भी तो आए थे संसद भवन उनको मनाने के लिए और स्पीच दी थी उन्होंने बता लेकिन दा दादा साहब फल नहीं दिया ना <laughs> <laughs> क्या फायदा हुआ <laughs> मिथुन दा एक और चीज़ आजकल जो चल रहा है ये सब जो हीरो आ गए हैं एक्शन हीरो सुपर हीरो क्रेश ये वो वो जमाना था आ, सुरक्षा मूवी थी मिथुन दाह पहले स्पाई एजेंट बने थे याद है आता वो आपको मिथुन दा और रंजीता नाम की एक एक्ट्रेस होती थी हाय 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 इन लोगों की इंडियन जेम्स बॉन्ड बनाई थी ठीक है उसकी सीरीज थी पिक्चरों की G9 Master. Master G9. 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 जी नाइन हाँ। मास्टर जी नाइन जी नाइन मास्टर जी नाइन जी नाइन मास्टर जी की बीबी मास्टर हाँ। जी नाइन उसमें पहली बार देखे हम <laughs> कि मिथुन पहुंच गए वहां जहाँ दुश्मनों का अड्डा है तो सब घेर लिए अब क्या होगा तो जूता का सोल खोलो उसमें बम रहा निकाल के फिर उड़ा दिए सब उसके कितने साल बाद शू आया यस अलकायदा का <laughs> तो ये आइडिया मिथुन दा ने दिए इतने विजनरी आदमी बोलते हैं जब तो उसमें भी एक अंदाज है ना उनका जब जब कुत्ते वाला डायलॉग तो उनका नहीं मगर उनका जो है क्या बात क्या बात क्या बात तेरी जात का मारू सबसे नाम का कुत्ता दो ही लोगों ने फेमस किया लेकिन वो अजीब था कुत्ते में तेरा खून पी नहीं करना दाने <laughs> नहीं करना बप्पी दाना करते नहीं करना और अग्निपथ किसने ये वाला देख रहे हैं वो वाले अग्निपथ में ये कमाल की एक्टिंग थी सर आयर उसमें गाना था एम ना नारियल वाला हाँ, मैं जो था में था दी सबकी। उस गाने्यूज तो तीन मिनट, चार मिनट तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ नहीं होता उसमें <laughs> <laughs> जितनी देर में आज के गाने खत्म होते है तो उतनी देर उस गाने में बातचीत हुई है की हु इस टाइप का इंट्रोडक्शन चल रहा है साजिना पे <laughs> और वो नीलम होती है हीरोइन उसका नाम हां उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था भाई तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी मैं तेरे को मरने नहीं देगी ठेला पीले करके वो भाग रहे होते हैं तू जिंदा रहना भाई तेरे को मरने नहीं देगी अच्छी अच्छा काम किया बहुत तो अच्छा एक्टिंग की एक मलबारी दक्षिण भारत का थोड़ा कॉमिक सा जो कैरिकेचर बनाया था उन्होंने आज के जमाने में कोई करे तो मैं बहुत जूते मारूं पर उस टाइम में जो किया था बड़ा अच्छा लगा था पर मिथुन बहुत हैंडसम थे ब्लैक एंड वाइट के टाइम का जो इंटरव्यू ब्लैक एंड वाइट नहीं बहुत पुराना है कोई इंटरव्यू जिसमें तबस्सुम के साथ उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो साइड प्रोफाइल से इंटरव्यू दे रहे हैं उनका किनारे पे चढ़ा हुआ जो दांत है वो दिख रहा है स्माइल कर रहे हैं मिथुन स्माइल सपाट खत होता था उनका खत ही नहीं होता था ये भी मिथुन कलम कलम सपाट रख देते

मिथुन के अलावा तमिलनाडु में जो सियासी जो खबर वहाँ से आई कि मुख्यमंत्री जो है एम के ने अपने बेटे उदयनिधि को डिप्टी सीएम बना दिया यह सब पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उनके पिताजी ने उनको बना दिया था मतलब क्या वंशवाद की ये जिसको कहते हैं क्या ये वंशवाद है या इसमें हैं अनुशासन बिल्कुल आपके बिल्कुल के तीन स्तंभ जैसे होते हैं ये तीन स्तंभ है और करुणानिधि ने, ने सेट करके गया था और मैं बहुत लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर लोग अपने आदर्शों को परिवार के आदर्शों को मानते रहें तो अच्छा लगता है भारत एक देखो परिवार ही तो है हम लोग अभी परिवार की बात हाँ, करते तो, थे घर परिवार ही है हम सभी पूरा भारत एक परिवार है है ना हम सभी तो किसको देवीलाल को किसी ने पूछा था कि आपके बेटे को देवीलाल को मतलब याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली पर आई थिंक संदर्भ में कहा गया था कि उन्होंने अपने बेटे बेटे को को मुख्यमंत्री बना दिया तो 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 जवाब आया कि तो तुम्हारे बेटे बना <laughs> हाँ, सही कह <दुकर> <laughs> तो रहे <laughs> हाँ, सीम हाँ, लड़का जो है वो स्कूल जा रहा होगा बढ़िया सचिन नहीं पता होगा लोगों को तो लोग अभी से जानेंगे

क्या तो होता उसको पहले से पता रहता था कि गले पे क्या होता है तो उसको बिजनेस संभालने में दिक्कत नहीं हाँ। तो आप अर्ली अगर बच्चों को सिखा दो ना क्या करना है? ये तो हम लोग क्या होता है सब मिडिल क्लास नौकरी पाशा लोग ना इनकी थॉट थिंकिंग अलग है अब ये इंजीनियर है अब इनका बेटा है पांच साल का उसको कैसे इंजीनियरिंग सिखाएं सही बात है तो ये सोचते हैं कि यार उनका बेटा देखो कैसे बन रहा है यार दैट इज द बेनिफिट ऑफ इन अ बिजनेस स्टालिन सब पॉलिटिक्स के बिजनेस में है

तो यहाँ पे क्या है कि आदमी को आपने अर्ली ट्रेनिंग दे दी है ना तो जब भी वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उनको कोई ब्यूरोक्रेट या कोई ना, बहका नहीं और उनको भी क्लैरिटी है कि ये डिप्टी सीएम कौन बनेगा हाँ बहुत अच्छा है कोई कोई उसमें लड़ाई इसमें बुराई था को नजर तमिलनाडु हमारे देश का एक अग्रणी राज्य है आदर्श राज्य भी है बहुत अच्छा सीखना चाहिए इसे बाकी राज्यों को हाँ बाकी राज्यों कुछ राज्यों ने सीखा भी है कुछ राज्यों ने सीखा भी है ये तो मैं मानता हूँ पर ऐसे चलता रहे तो इतनी क्लैरिटी इतनी स्पष्टता अगर बनी रहे राजनीति में ना तो फिर वो कुर्सी के लिए मारा मारी नहीं होगी जंग, जंग नहीं होगी आदमी भी, भी जंग, हो। जंग से याद आया इसराइल के जो हमले में ये हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला मारे गए उनको लेके कई जगह पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं कई हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर इसको लेके कैंडल मार्च निकल रही है कल देखे रहे हम तीन कैंडल आपो कर दे रहे आप भी <laughs> <laughs> तो, तो दी थी मुझे एक। <laughs> कल ऐसे ही हम लोग बैठे रहे रेडियो में तो कोई ये हिजबुल्ला है हिजबुल्ला हैजबुल्ला भी लिखते तो हैं मुल्ला है ये गारंटी है <laughs> कन्फर्मड है बाकी हैज है या हिज है उस पर तो ये क्या है आप बताएंगे हिजबुल्ला है ना ये यार हिजब है हिजब हैज का कोई लेना देना नहीं है हिजब हैज बोलते हैं पीरियड को जो स्त्रियों को होता है हिज्ब हिजब जो होता है ना वो होती है पार्टी ओके okay. हिजबुल्लाह अल्ला की पार्टी, की पार्टी। अल्ला तो, सीधा अल्लाह की पार्टी बना दे। तो कोई तो, उसके तो, खिलाफ वोट भी नहीं देखा डेमोक्रेसी में तो ये नाम रख देते तो 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 हमें क्लियर में तो लगते ही हैं। सभी लगते हैं तो जब भी आते मेरा उर्दू फो हिजबुल्लाह जो है वो देखो यहाँ भी प्रदर्शन हुए शिया इलाकों में हुए जी है ना अरब में भी प्रदर्शन हुए शिया इलाकों में हुए पर मुझे लगता है कि जो एंटी इसराइल जो सेंटीमेंट है उसको लेके तो शिया उनको एंटी इसराइल से मतलब नहीं है हाँ। वो इसराइल मरेगा बाकी लोग मरेंगे उसमें वो भी फिर भी बांटेंगे <laughs> वो कल भी बांट रहे होंगे उनको वो नहीं है उनको हिजबुल्ला नहीं चाहिए था क्योंकि हिजबुल्ला ने ना बहुत लोगों को परेशान किया जी ये सीरिया में इडली है ऐसे दो चार बड़े सुन्नी एरियाज हैं जहाँ पे कि असद को ना पेल रखा था इन लोगों ने लेकिन हिजबुल्ला घुस गया असद की तरफ से और फिर बहुत मार कटाई करी बहुत लोगों को मारा तो वो जो मिठाई थी वो किसी के मरने की खुशी नहीं थी जे, वो बदले वो, की खुशी में, वो सिर्फ यही था कि चला गया हमारा ये एक दुश्मन जिसको हमने इजराले मार दिया समझ रहे उनके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू था हिजबुल्ला अगर इसराइल में दस को मार दे तो भी लड्डू बटरे

आप सब्जी आप एक विक्रेता और आप उसके प्रोफाइल बना रहे हो तो तु? आप बताओगे ना किस परिवार से था कैसा था आर्थिक रूप से कमजोर हाँ, लेकिन रिस्क रिस्क शिक्षा दीक्षा ये ये होता है कि आपने हेडलाइन दी तो हर आदमी इस हेडलाइन को अलग अलग तरह से लेगा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी जो कहेगा साले सब्जी विक्रेता के लड़के से ऐसे ही होते हैं बिल्कुल है ना तो वो उसको सारे सब्जी विक्रेताओं के लड़कों पे ले जाएगा करेक्ट एक परसेप्शन सेट कर लेगा तो आपने सोशल मीडिया आने पे क्या हुआ कि कोई वीडियो है किसी का थूकने का किसी एक भगवा गमछा पहने हुए आदमी ने नीरी बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है एक गरीब मुसलमान जो ट्रेन में सफर कर रहा है उसकी दाढ़ी पकड़ के हाँ। उसको जय श्री राम बोल रहे तो उसके ऊपर में आ रहा है कि भारत में यही हो रहा है तो जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है भारत में यही हो रहा है राइट कि जो थूक रहे हैं वो मुसलमान है तो उसमें से कोई सुन्नी भाई साहब बोलेगा हम नहीं करते वो तो सियाओं का काम है उन्होंने सियाओं पे ब्लेम कर दिया, ऐसे करके हम लोग देश को जब एक पिक्चर देखते हैं और उसके कैप्शन के आधार पर निर्धारित करते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं सब्जी विक्रेता के लोंडे यार हमारे यहाँ भी है एक लड़का अशोक नाम है उसका <laughs> टेररिस्ट जैसा है सर आगे चल के वो भी बनेगा क्यों? देखा भी था ऐसे आलू उछाल उठाल हाँ। जा रहा है। हाँ। तो वो यही दुनिया है ऐसा ही होता है आपको इसी में रहना है और एलगोरिज्म की दुनिया और खतरनाक है आपने एक क्या हुआ कि आपकी उत्सुकता बढ़ी करेक्ट आप उसको हेट कर रहे उस वीडियो को आप एक्चुअली उसको पसंद नहीं कर रहे लेकिन आप लानत भेजने के लिए आपने आपने उसपे क्लिक कर दिया डोंट इग्नोर बस तो बस वो रजिस्टर हो गया अब आगे से आपको वैसे वीडियो दिखाई जाए जैसे वो जूस में पानी मिलाने वाली कुछ एक वीडियो आप देखें कि चुपके से पानी मिला रहा है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कहीं और कोई और मिला रहा है पानी उसमें जूस में पानी मिला के दे रहा है नसरुल्ला एक सब्जी विक्रेता का लड़का था सब्जी विक्रेता के लड़के नसरुल्ला नहीं हो जाते नहीं हो जाते राइट तो इतना फर्क काफी है तो एजेंडा पर आते हैं पर जो हो रहा है बहुत टेंशन का विषय है बिल्कुल सारे क्योंकि हमारा तेल निकल जाता है यार उसमें ये लोग लड़ते हैं तेल महंगा तेल महंगा हो जाता है ये हम लोग हम जैसे लोगों के लिए हम जैसे देशों के लिए थोड़ी सी मुसीबत की है अब क्या है कि इनका भी चमकाएगा वो अब कैसे चमकाएगा ये देखना है क्योंकि ये तो मिसाइल विसाइल नहीं दागेंगे इसराइल उनके घर में कुछ फोड़ देंगे तो अंदर से फोड़ता है ना देखो इसराइल प्रेमियों की संख्या सबसे ज्यादा ईरान में ही है कैसे कैसेराइल के दोस्त ईरान में ही है क्योंकि इसराइल के वो सारे लोग जो पीड़ित हैं अतल्ला के उनको होप सिर्फ इसराइल में दिखता है ये सऊदी ये इंडिया ये बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उनको आजाद कराना है तो फिर नेतान्या नेतान्याहू जैसा पगला ही कर सकता है क्योंकि इनका जो पगला है ये धर्म का पगला है और उसका जो पगला है पावर का वो पावर का पगला है उसके पास शक्ति बहुत है तो इनको ये पता है कि इस पगले को हटाने के लिए कोई पगला ही आएगा जुनून को जुनून हाँ। से। बाकी कोई को मदद करने वाला, बाकी कोई सैंक्शन वैंक्शन अमेरिका ने लगाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है हाँ। जैसे वो था ना कहा हुआ था कि जहर को जहर, जहर काटता है एक दिन देखिएगा आपको कुत्ता काटेगा आज हमारे बॉस है राव साहब बड़ा अच्छा उन्होंने इसका खरगे साहब बेहोश हो गए थे उन्होंने बोला कि मैं जब तक मोदी जी को हटा नहीं लूंगा तब तक मैं तब तक मैं नहीं होश में नहीं, नहीं आऊंगा तब तक मैं जाऊंगा ये दुनिया से हाँ, तो मोदी जी ने फिर उनको कॉल किया था हाँ। पता है क्या बोला था बहुत लंबा जी हो गया बी <laughs> राव साहब हमारे ताऊ वाले जगह पे भी आए हैं बॉस हैं हमारे तो उन्होंने ये बताया मैंने कमाल कमीम बन सकते हैं इस पर बहुत लंबा जियोग ठीक है तो आपको हम बताएं जहर वाला मामला याद है तो बढ़ते हैं एजेंडा की तरफ तो आज हम बात करेंगे सपनों पर भूत के सपने अच्छे सपने ख़राब सपने डरावने सपने उन सपनों की क्या ताबीर होती है उनका क्या मतलब होता है और बिजार ख़बर की बात करेंगे जिसमें हमको बताएंगे कि बिजनौर में एक तेंदुआ आया हुआ था और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक बकरा बांधा पिंजड़े के अंदर उठा के लोग उठा ले गए <laughs> और मटन पार्टी कर ली तो इस पर भी बात करेंगे और उसके बाद हमारे तीन तालियों की चिट्ठी भी आंखें खुली तो जाग उठे हसरतें तमाम उनको भी खो दिया जिन्हें पाया ख्वाब में अब सपनों के बारे में एक बहुत क्लीशे सी लाइन है वो अक्सर कलाम साहब के नाम से की जाती है कि सपने वो नहीं हैं जो आपको नींद में आते हैं सपने वो हैं जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आती है फिक्र में। Confusion तो ये पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं कहा पर इंटरनेट पे ऐसे कई अलग अलग थ्योरी है सब पे किसी जो थोड़े किस सपना देखना तो जागते रहो तो सपना कहाँ देखेंगे जैसे एक बार मैंने इंटरनेट पढ़ा किसी ने लिखा था एवरी यू सी ऑन इंटरनेट इज नॉट ट्रू मार्क ट्वेन नाम नाम में में क्या आ, है? नाम क्या रखा रखा है? है? पर एनी सपनों की बात हम लोग कर रहे हैं आप आपको कैसे सपने आते हैं मतलब कुछ कोई ऐसा सपना जो आपको बार बार आता है जिसके बारे में आप करना चाहते यार, हैं? मेरे सपने बहुत ही विविड सुबह उठता हूँ तो मुझे याद भी होते हैं रात में सोया हूँ सपना देख रहा हूँ फिर मेरी नींद खुलेगी मैं वाशरूम वाशरूम जाऊँगा तो जहां पे है कि मैं परेशान हूँ तर, तरीका नहीं है, अरे कि... अच्छा है मैं तो तो पूरे नहीं हुआ अच्छा मेरे साथ... मैं सपने ना वो नहीं देखता हूँ जो लोग देखते है ये बन गया मैं वो बन गया मैं सपने में स्ट्रगल ही कर रहा होता हूँ फ्लाइट जो है ले रहा हूँ मैं अमृतसर से पता नहीं क्यूँ और वो फ्लाइट जो ले रहा हूँ तो एक टीन के नीचे खड़ा एयरपोर्ट ही नहीं है खेत में करती है फ्लाइट किया पूरा दुनलका सा है, पता नहीं, बारिश हुई है, या है। और उसमें से मैं जाके चढ़ता हूँ ऊपर में ऊपर में बैठता तो हूँ बहुत बड़ी फ्लाइट बहुत बड़ी प्लेन है और लोग भी बैठे हैं अरे बहुत बड़ी है भाई अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ यार इतना बड़ा भी प्लेन होता है वहां बैठ के मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि फिर मुझे आगे की की तरफ जाना है कुछ करने के लिए तो मैं स्विफ्ट में बैठता हूँ और और पेड़ पेड़ <laughs> भी है मैं सोच रहा हूँ और सपने में मैं कंफ्यूज भी हूँ <laughs> फ्लाइट में हूँ तो बीच में जो गलियारा है उसमें सड़क कैसे है भगवान और दोनों तरफ लोग बैठे होने चाहिए पर यहाँ तो घर बने हुए हैं पर सपने ऐसे ही होते हैं अजीब हाँ, आप किसी की आप बात कर रहे हैं और बात करते करते कैरेक्टर बदल जाता है अचानक वो कोई और दोस्त हो जाता है जिसको आप जमाने से नहीं बे, मिले बेहतरीन सपना मतलब सबका रहा है मेरा भी रहा है वो होता था है आप, कुछ हाँ, था। कि आप सपने में हैं और आपको लगी पेशाब सपने में आप देख रहे हैं कि आप टॉयलेट में पेशाब कर रहे हैं धीरे से एहसास हुआ कि गर्म गर्म ये तो हमेशा सबके साथ होता है गर्म गर्म लगा पता चला वहीं हो गया था और एक ही चीज है सपने में जो पूरी होती है नहीं होता नहीं है आपको सिर्फ आप सपने में एक मूत्र विसर्जन कर रहे होते हैं तब आपकी नींद खुलती हाँ, हाँ, है कि ये आपको हाँ, आपको जाना पड़ेगा, अरे जाना पड़ेगा, <laughs> क्या बात करते <laughs> ऐसा नहीं हुआ आ, तभी खुली जब हल्की महसूस हुई कह रहे थोड़ा बहुत निकल जाता है थोड़ा बहुत नहीं पूरा निकला आपको वो बचपन में होता है बचपन वाली बात थोड़ी अभी होता है अभी होता है आपको तभी आप उठते हैं जब आप सपने उसकी वजह है बचपन में उसकी ट्रेनिंग माए बाप कुटाई करते थे रजाई गद्दा खराब कर दी बहुत छोटे छुटपन की छुटपन में भी ऐसा होता था कि एक मोमेंट आखिरी में ऐसा आता था जब आपको पता चल जाता था कि ये वो आठ साल नहीं है यह हकीकत है दस साल की फिर आप सोचते हैं कि लेट इट गो हाँ अच्छा तो अकेला सपना है पेशाब का जो पूरा होता था <laughs> बाकी सारे सपने अधूरे कुछ ना कुछ रह गया तो पूरे पूरे सपनों के बारे में ये कहा जाता है ना कि जो सुबह के वक्त देखे हुए सपने पूरे सच्चे 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 होते हैं हो। और माँ बाप कहते हैं कि देर तक सो मत कैसे हाँ। सपना पूरा होगा मतलब है ना अजीब सुबह के सपने सच्चे होते हैं ये मैंने सुना हाँ। है पूरा होने वाला नहीं सच्चे सच्चे होते होते हैं हैं मतलब सपने वो सच्चे हो जाते हैं नहीं नहीं वो सच्चे हो जाते नहीं सच्चे होते हैं ऐसे बस कहा जाता है उसमें जनरली मैं ये भी देखता हूँ मेरा एयरक्राफ्ट बहुत होता है मेरे सपने में अच्छा जहाज एयरक्राफ्ट एक तो वो होता है कि आप तलाश कर रहे हैं किसी चीज की और दौड़ रहे हैं और पूरी स्ट्रगल है मतलब तो दौड़ रहे हैं फिर गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं फिर किसी चीज पे चढ़ रहे हैं ठीक है तो वो डरावने नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि नाइटमेर टाइप का नहीं कोई भूत आ गया मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा ऐसा भी नहीं है पर आप चल रहे हैं वो तो ताबीर पता नहीं क्या होती होगी इसकी पर मैं अक्सर ये देखता हूं कि वर्ल्ड वॉर टू टाइप का सीन है अरे बाप बाप रे सुबह के वक्त तो नहीं देखते आप <laughs> वो ना प्लेन उड़ रहे हैं दाए 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 हाँ, है। लेकिन हमेशा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं कहा हूं। जो मेरा अपना लोकेशन होता है ना गाँव जो होता की होता मुझे होता। याद रहता है बहुत कुछ सुबह तो मैं हमेशा रहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा गाँव में हुआ थोड़ा कहीं विदेश में भी हो गया वहां पे क्या कर रहा हूँ पता नहीं पर वो रॉकेट्स गिर रहे हैं सबको लग रहे हैं कोई नहीं मर रहा और मैं तो बिल्कुल सुरक्षित <laughs> हूँ क्योंकि आप क्योंकि देख रहे हैं मुझे तो देखना है <laughs> तो उस चक्कर में ना बहुत अजीब सा होता है और मैं कभी कभी फ्राइड जो है ना नागमेंट एक सिगमेंट फ्राइड नाम के आदमी होते थे उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि एवरी थिंग इन वट यू ड्रीम इज अबाउट सेक्स सब चीज को उन्होंने एक चीज से जोड़ दिया तो उससे क्या हुआ कि सब लोग कंफ्यूज हो गए और बोलने लगे कि यार इसका फ्राइडियन विश्लेषण क्या होगा फ्रॉड वो हाँ, मुझे लगता है कि आपका दिमाग सोता नहीं है ये बोर हो जाता है, तो तो एक्टिव रहता है और उसकी कहानियां चल रही होती जी? है में मैं नहीं कभी भी बहुत से लोग बबुआते हैं बबुआ बोलता हूँ हाँ, बबुआ बोलता हूँ आई डोंट नो मुझ पे बोला गया है कि कभी कभी बोल भी देता हूँ बड़बड़ाते हैं पर हंसता नहीं हूँ मैं असल में हंसने के लिए जो मसल्स उस वक्त चाहिए वो उस वक्त एक्टिव भी नहीं होते आप चाहोगे तो तो सपने में भी तो हंस सकते हो ना हंसते हैं सपने में होंगे तो पता अरे, सपने के अंदर अरे, वो आपको जैसे कि सपने में कोई चुटकुला सुन रहा हूं तो मैं हंसता हूँ ना नहीं ठाके भी मार रहा हूँ ऊपर से नहीं दिखेगा पर अपने सपने में आपका नियंत्रण नहीं होता करेक्ट और ये भी हो सकता है कि चूंकि आप जो सुन रहे हो कि कोई दूसरा सुना रहा है चुटकुला वो भी एक्चुअली आप ही सुना रहे हो बिल्कुल हाँ, कैरेक्टर भी वही हो सकता है आपने क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर जो सुना रहा है पर वर्ड तो आप ही कहें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सपना में बहुत लेयर में भी होता है एक चीज, एक चीज मैंने ये नोटिस की कि कि हम जो कहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं हम सपना देखते नहीं हम सपना सोच रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो जहन है उसमें हाँ, सोचना है।, है तो वो एक पिक्चर बनती आप है सोच रहे होते हैं कि आप देख रहे होते हैं हाँ, हाँ। तो वो आपको जैसे अभी मैं कहूँ आपसे एक पिंक एलिफेंट तो आपके जहन में एक तस्वीर उभरी ना पिंक एलिफेंट तो वो हमारा दिमाग क्रिएटिव दिमाग है उसमें एक जो भी बोलते हैं वो एक इमेज बनती है तो जब हम ऐसे कुछ सोचते हैं उस वक्त पे जब हमारे दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं है तो हमारी रैंडम यादें आपस में देखो सपने कई लोग ना पूरा सपना सपना नहीं होता हकीकत होता है जो नींद में बग देते हैं बबुआना बोलते हैं उसको कि जैसे मेरे दो अक्टूबर है आज मेरे एक चाचा हैं उनका नाम ही है गांधी खान कहा है कि दो अक्टूबर को पैदा हुए रहे नेता तो हो गए हैं आज हाँ, भाड़ी आ, भाड़ी गौस मोहम्मद खान उनका नाम है तो वो दिन भर जुआ हुआ खेलते थे और रात के सपने बबुआते थे तीन का कलर प्लस इतना कचाल तो चाचा जो हमारे मारूम नहीं रहे ललन चचा बेते बेत सुबह कुटाई साला रात भर जो एक बार तो वो हद हो गया था नींद में उठे तो पहले आप कमरे में ही अंदर वो छड़ वाली ऐसी खिड़कियां होती थी था और ऐसे मुंडेरा अंदर की तरफ भी निकला होता है जिसके ऊपर कुछ कुछ कबाड़ रखते थे ये उठ करके चढ़ गए उस पर नींद में नींद में उनको नीन हाँ, नीन ये तो होता है नींद में चलने क्या नींद तो में, में चलते बोले गांधी नींद में चलना पर चढ़ना तो चढ़ रहे उनको रोका कि गांधी क्या करो बोले हमारा पैसा रखा है हमारा पैसा रखा वो उतारने की कोशिश कर नींद में तो में पैसा <laughs> देखो नींद में वहां तक चल, चल, तो चल, चल गया नींद में चलो लोग कोई था वरना वो गिर सकते थे नींद में चलने वाली बीमारी एक से एक लोगों की थी दरवाजा खिड़की खोल के हमारे एक और हैं बीरड़ में बीरड़ मेरे घर से एक किलोमीटर आगे है वकील खान नाम के वकील हैं पढ़े लिखे नहीं है तो उनका कमरा बैठकी होता है गांव में घर में सबसे पहले तो एक दरवाजा जो बाहर की तरफ से गेस्ट बैठे हैं और एक दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तो वो भी एक कमरा ही होता है जी पुराने डिज़ाइन के घर थे तो वकील नीम का पेड़ है उनके घर के बाहर और एक नंबर जो है यूजुअली आदमी बाहर ही ऐसे ही पेड़ के नीचे ही कर देता था वकील नींद में नी उठे गलती से सामने वाला दरवाजा ना खुल के बगल वाले कमरे वाले दरवाजा खोले थे जहां पे उनके छोटे भाई वगैरह शुरू अरकत... से जो एक कमरे में दो दरवाजे थे तो नींद में थे अपना उनको लगा बाहर वाला दरवाजा कि बाहर तरफ वो मूत्र विसर्जन करेंगे गलती से अंदर की तरफ कर दिए थे तो सपने में एक से कांड होता है गुरु सपने में एक और है कि किसी को पकड़ लेते हैं अब आपने जाने कौन से सपने देखा है लेकिन वो को लिया छोड़ो छोड़ो फिर आप थोड़े कुछ नहीं कुछ नहीं सपना देखते अल्लाह जाने कौन सा सपना देखा रहा लेकिन अगला तो डर जाता है पर सपना जो असली दिखाते हैं वो आपके चेन मार्केटिंग वाले बीच दिखाते हैं मल्टी लेवल मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले सबका लेवल निकलेगा दो इधर बना लीजिए दो इधर बना लीजिए उसके बाद वो काम करेंगे ये आपके पास गाड़ी हो जाएगी ये हो जाएगी जो समझाते हैं ना आपको बैठ आ, के उसमें एक मिनट बना के एक मिनट में आपकी लाइफ पूरी सेट करके दिखा आपने ऐसी कोई मीटिंग अटेंड की उनकी कभी मारने गया था मैं एक बार <laughs> इतने बदमाश होते हैं मेरे अबू <laughs> दिल्ली में थे छोटा भाई था तो फोन आया कि आप सूर्य होटल चले आइए ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पास है और आप लोग का गोवा का पूरा टिकट विकेट हो गया है बस आइए लंच कीजिए हमारे साथ और टिकट विकेट लेके चले जाइए वाह फोन आया अबू का एक बेटा लॉटरी लग गई है हम कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है और ये बात है दो हज़ार तीन चार की उसमें बहुत होता था और होता क्या था वो प्रॉपर्टी बेचते थे अब बेजती करते थे आपकी कि ये देखिए सर ये पाँच लाख रुपये का ये है तो हम लोग नहीं नहीं ये अरे तो कैसे आदमी आप यहाँ चले हराम का खाना खाने है चले हैं तो बेजती कर अरे बाप हाँ हाँ ये करते हैं कभी जाइएगा मत तो मुझे तो पता था लेकिन छोटा भाई वो एक नंबर का ऊत आदमी चला नहीं अबू लग गया है गोवा जाने का मौका मिल रहा है भाई ऐसे ही कह रहा है चले ही चलते हैं तो ये लोग नोएडा सेक्टर चौदह से सूर्या होटल पहुंच गए एक आध घंटा भी हो गया ये लोग बैठे हुए तो फ़ोन आया अबू का कि बेटा हम लोग यहाँ आ गए तो हम कह रहे आपने मना किए थे हम आते हैं पहुँचे हम कौन है आप बुलाओ उसको आया बोले सर देखिए हमारी स्कीम की स्कीम के तेल लेने साले ये वो प्रेस में हम होते थे मतलब मीडिया में प्रेस वाले हैं तो उसको डर लगा तो एक हैम्पर भी हम लेके चले आए थे साथ डिनर सेट का लेके चले आए क्योंकि वो ये बेजती करते थे वो सपना झूठा सपना देखा मतलब बुलाते थे कि ये पाँच लाख रुपए का ये आपको देंगे उसमें प्रॉपर्टी ऐसे ही होती थी पाँच छः लाख रुपये का फ्लैट मिल जाता था कि फ्लैट दे रहे हैं तो आप लोग नहीं नहीं वो मेरा टिकट दी नहीं वो फ्लैट लेने पर आपको टिकट मिलेगा हमारी स्कीम है आप लोग नहीं नहीं हमें नहीं लेना अरे कैसे चले आप यहाँ फ्री में चले आए ले तो करते हैं तो तोहहीन करते हैं आपकी बेजती करते हैं एमएलएम वाले जो होते हैं ना वो दूसरे होते हैं वो सामान भी सामान बेचते हैं

तो ऐसा ज़बरदस्त मतलब वो बोलते हैं कि आपका बिल्कुल माइंड वॉश हो जाता है एकदम जब एक घंटे का उनका सेशन था एक घंटे के बाद जब सेशन ख़त्म हुआ और हम बाहर निकल के आए तो ऐसा लगा कि इस इस सब सब बेकार है सब सिवाय इस, इस बिज़नेस के तो और कुछ है ही नहीं दुनिया में सिर्फ ऐसा लग रहा था तो अगले दिन फिर उन्होंने बुलाया कि भाई अब आपके एरिया में चार पांच लोग जो 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 है वो बैठ के हम आपसे पर्सनली बात करेंगे कि आपको काम कैसे करना है तो वही जो वहाँ बोल रहे थे वो अगले दिन आया एक एक बंदा था जो एजेंट था उसके घर पर मीटिंग थी इतना ही बड़ा रूम होगा हम सब लोग बैठे हैं वो बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना सपना बताइए क्या बनना चाहते हैं तो हमारा नंबर आखिरी था तो उधर से शुरू हुआ तो जो आखिरी वाला था ना वो जवाब सोचने लगता है पहले कि मैं क्या बोलूँगा तो उसने कहा सर मैं एक ये वाली पता नहीं उसने कोई कार का नाम बताया कि सर मैं एक कार लेना चाहता हूँ ये तो कहने के बहुत छोटा सपना है थोड़ा कुछ बड़ा सोचिए कुछ आप, आप बताइए दूसरे से पूछा दूसरे उसने कहा सर मैं सोच रहा था सर कि दिल्ली में लाइक अपना मकान हो जाता बहुत छोटा सोच रहे हैं आप लोग कुछ बड़ा सोचिए आप बताइए पता है अब हमारा नंबर आखिरी में हम थोड़ा घबरा हम क्या बोलते हैं तो आपने आपने तब बोला पास आए मुझे याद तो हम, है आज तक मैंने कहा कि जैसे मेरे पास आया मैंने कहा सर मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर देश में मेरा कम से कम एक बंगला हो बेटा ये तो कुछ ज़्यादा हो गया उन्होंने बोला तो उसके बाद फिर कुछ दिन हुआ पर वो नहीं होता है नहीं चलता है। नहीं। वो बेकार ऐसा उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए उसके लिए चाहिए एक बार एक एक कंपनी थी आर नाम से तो उसमें क्या था कि कपड़े का कपड़े के वो थे थान, थान थे वो एक बैग में होते थे और उसमें आपको वो मेंबर्स बना के बेचने हैं करीब पाँच हज़ार रुपये का था वो सिस्टम तो वहाँ आपको बेचना है तो जब हमें मिला तो हमने कहा कि हम किसको पकड़े हमें तो ऐसा आता भी नहीं था वो तो शौकिया तो हम अपनी चाची के पास चले गए वही चलो इसी काम हमें चाची के पास गए तो चाची को हमने फ़ोन किया चाची बहुत ज़रूरी काम है आपसे मिलना है तो चाची ने कहा अच्छा आओ भैया आओ तो हमने कहा चाची बैठी आप साथ मीटिंग करनी है तो हमने कागज़ लिया कलम लिया बीच में बनाया हमने कहा देखिए चाची ये आप हैं ठीक अब इसमें क्या होगा उन्होंने कहा ये बताओ कितने का है ये हमने कहा ये छः हज़ार का कहीं लो छः हज़ार लो ये सब ना बताओ हमको आपका काम इतनी बेजती हुई ना कसम से <laughs> मैंने उसे दिन का भाई ये नहीं होगा हेलियस <laughs> हेलियस ग्रुप ग्रुप चिट फंड कंपनी कंपनी आती थी थी एक दौर का तो हेलियस ग्रुप करके थी तो करके आई में जी हम ज्वाइन किए उसको अच्छा तो उसमें रोज दस रुपया पांच रुपया आपको देना होता है और तीन साल में धन तो कौन मनिहारी वाले लोग पैसा डबल वही थे तीन साल में धन दुगना तो दस रुपये पाँच रुपये कलेक्शन करने जाना होता था तो मोनू एक लड़का था मैं था और जो मेरे मैनेजर था गुड्डू था तो भाई साहब हर हफ्ते एक बंदा कलेक्शन के लिए है पूरा पैसा लेके चला जाए लेकिन पूरा रिस्क हमारा है क्योंकि तो लोकल तो हम हैं भाग भी जाते हैं ना वो भागे ही भागते ही <laughs> <भागे> हैं <ही> ठीक है <laughs> ना।, <laughs> ना तो हुआ कि हेलियस ग्रुप तो कुछ दिन में हमको पता चला कि हेलियस ग्रुप कुछ तो बनारस बुलाया गया होटल में और जो जोश के साथ आपको चढ़ाया जाता है कि आप लोग वो हैं जो कुछ कर गुजरेंगे दुनिया याद रखेगी आपको याद रखा पैसे, रखेंगे पैसे, पैसे पैसा तो भूलता नहीं, पैसा भागा लोग याद रखो तो अच्छा हो कि आपके अपने रिश्ते अच्छे थे उन्होंने बख्श दिया उन्हें कुटाई पिटाई हो जाती है ये तो कुछ भी नहीं बनारस में जब थे तो मेरे बड़े भाई आरिफ वो भी किसी ऐसे चीट फंड कंपनी में थे तो नसीम भाई उनके थे तो कलेक्शन करके आता था कितना हुआ तीन सौ दो सौ भाभी को दे देने यार सुबह से कह रही थी अबे घर चल रहा है सौ रुपये आ रही भी जय रख लिया अब पता चला कि हफ्ते पर कितना कलेक्शन हुआ दो हजार ये लो बारह सौ बाकी कहाँ है आरिफ वो हमसे भी खर्चा हो गया ये चलता था जमाना वो दौर तो लोग दे रहे हैं तो लोग फरार हो गए ले ले करके पैसे तो हम लोग सब तो ये कंपनियां सपने खूब दिखाती हैं लेकिन एक सपना वो है जो पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज होता है सपना मतलब सपना देखो सपने एक एक में कभी कभी तेज तेज प्रताप प्रताप यादव को प्रताप को आ जाता है कृष्ण जी कभी अखिलेश को आ जाता है कोई सपना है ना कि और कितना ये कितना कन्वीनियंट है ना कि कोई भी आपको डिसीजन लेना हो आप बस ऐसा बोल दो कि भाई सपने में शिव जी आए थे उन्होंने कहा है सपने में यार पूरा पाकिस्तान में एक मौलाना है तारिक जमील हम्म ये मसूद नहीं मैं जानता हूँ

उन्होंने वो तो जन्नत में है हुँ। हुँ। तो उन्होंने मुझे यूं उंगली बढ़ाई तो मैंने उनकी उंगली को दी। छू लिया अच्छा। पकड़ लिया तो उन्होंने कहा नहीं चूसो <laughs> <laughs> तो मैंने चूसा ऐसा शहद मैंने जीवन में टेस्ट लाहौल वाल वाला तो, 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 तो मैंने कहा कि यार व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन वो ना उनको डिवाइन प्रूव करने के लिए जैसे भी करने कर रहे हो सपने कन्वीनियंस के हिसाब से नेताओं को आते हैं करेक्ट हाँ। सपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो ये गुरु बाबा मौलवी लोग होते हैं इनको आते हैं आपको पता है कि जिन जिसने इसकी हत्या की थी सलमान तासीर की जी जी उनके सपने में आए थे ओहो कौन आया था प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मर्डर कर दिया अब पाकिस्तान में हजारों लोगों सपने आ रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं सही है हा? अब भी किसी <laughs> के सपने में आएंगे हम किसी के सपने में आ जाए कोई आते हैं सपने एक प्लान के तहत भी आते हैं जैसे कि इस देश में बहुत सारे आई कोचिंग सेंटर हैं जी। कुछ एस कोचिंग सेंटर हैं, सपना दिखाते हैं ये कुछ आई ये कोचिंग सेंटर हैं, कितने लोगों की भर्ती होती होगा यूपीएससी में एक साल में पर वो तीन करोड़ बच्चों को विश्वास दिला चुके हैं कि वो भी बन सकते हैं बड़ी बात है ये, और वो सब बन सकते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है पर उनमें से बहुत नहीं बन सकते इसमें भी दो मत नहीं है वो छह साल अपनी जिंदगी का लगा देता है इसी में और अगर बाढ़ में कोचिंग सेंटर में पानी नहीं, नहीं, नहीं मर गए तो जीते जी बेचारा बूढ़ा हो जाता है और अब अग्निवीर के लायक भी नहीं रहता सपना टूटना ना ये पूरा इंडस्ट्री पर यही है ना उम्मीद पे दुनिया कायम है।, है और किसी भी आदमी ने सपना दे के सक्सेसफुल होने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है काम करके बनाया है कि

जैसे कि हर आदमी सपने को सच कर देगा देखो भाई सपना अलग चीज़ है हाँ। सच अलग चीज़ है बिल्कुल हाँ। सपना देखना चाहिए बुराई नहीं है हाँ। विश्वास मत कीजिए सपने पे। सुबह उसको उतर जाना चाहिए <laughs> हाँ। बिल्कुल एक आदमी एक डॉक्टर साहब के पास गया कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ अजीब से सपने आते हैं डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि कहीं वैसे जा रहे होते हैं हम कहीं पर तो अचानक देखते हैं कहीं पर बंदर का फुटबॉल चल रहा होता है इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब ने कहा ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है इसके मैं तुम्हें कुछ असरात बताता हूँ साथ में कुछ तुम्हारे लिए एक्सरसाइज ही बताऊँगा वो भी करना तो उसने कहा ठीक है ये दवा है आप खाइएगा तो बोले डॉक्टर साहब ये दवा दो दिन बाद खाते हैं बोलो कि आज उनका फाइनल है तो तो साइकोलॉजिकल <laughs> 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 तो भी होता है कुछ आपको तो लगता है कि कुछ उसका है साइकोलॉजिकल असर आपको सपना जो था सर वो सिर्फ अजय देवगन का था पगला गए थे सपना सपना कहते कौन सी फिल्म जीता था, था जिसके अच्छा। के लिए दिलवाले जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते सपना, सपना, करता। सपना। वो कह के वो बोरा जाता पागल हो जाता उस फिल्म में तो सपना तो असली सपना तो उसी काम कहेंगे था पर आपको हॉरर सपने भी आते हैं क्या <laughs> हर किसी को आते हैं यार आते हैं आप हाँ जैसे ऑफिस के लोग याद आ गए वो हॉरर से कम थोड़ा है सपने में ऑफिस का काम चल रहा है हॉरर ही है

उतना तो दूर तक तो वो नहीं रहे उनका कितना बड़ा जहाज हाँ है। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि सब कुछ बदल जाता है सपने में ना यू नॉट हैव एनी कंट्रोल कि आप ये सोच के नहीं सोच सकते कि मैं सपना देखूंगा बुरा तब लगता है कोई और अच्छा सपने सपना को, को स्टॉप नहीं कर सकते हाँ। नहीं बुरा तब लगता है अच्छा सपना चल रहा था नींद खुल गई करेक्ट ये बात मैं कहने वाला आंख बंद करके सोच लो कंटिन्यू कर लो मगर वहां से नहीं होता कभी कभी हो भी जाता है फिर आप बाद में याद करते लगता अच्छा हाँ उसके आगे भी देखा था कौन सा सपना आप कौन से सपने की बात कर रहे हैं कोई कौन? भी रैंडम सपना अच्छा तो कोई भी सपना होता है थीच जो थीच आता थीच है।, है पर मैं तो देखो कहानी ढूंढता हूँ सपने में अगर मुझे लगता है इंटरेस्टिंग कहानी है तो मैं सोचता तो हूँ चलने दो इसको हल्की नींद आई एक नैनो सेकंड के लिए लगता है कि अच्छा टूट ये कुछ सपने ऐसे हैं जिसको आप चाव से देखना चाहते हैं कि कंटिन्यू करते हैं लेकिन ताव का मुझे बहुत अच्छा लगा पॉज करके गए कोई डॉक्टर या कोई स्लीप स्पेशलिस्ट इसको बता सकता हो कि मैं झपकी बोलते हैं ना हाँ जी तो मेरी झपकी जो होती है उसमें मैं पूरी तरह से सोया नहीं होता हूँ इनफैक्ट बैठा ही होता हूँ आदनिया जिसको कहते हैं नहीं नहीं वो जबकि एक सेकंड के लिए आती है या दो हाँ, सेकंड हाँ। के लिए उसमें मैं सपने देख लेता हूँ सपना कोई पूरा नहीं होता कुछ हाँ। पर सडनली मैं किसी और इवेंट में होता हूँ वापस रियलिटी वाले इवेंट में आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतना लंबा सोया भी नहीं हूँ करेक्ट हाँ। मैं सोया ही नहीं हूँ लंबा क्या मैं सोया भी नहीं हूँ तो ये क्या चल रहा था मेरे साथ भी ऐसे ही होता है अगर मैं आठ घंटे सोया तो मैं आठ घंटे सपने देख रहा होता हूँ मतलब ऐसा ही है वो हाँ। आँख खुलती है तो मुझे लगता तो है कि मैं आ, मतलब किसी से बात कर रहा हूँ कहीं बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मुझे नींद नहीं आई है इनफैक्ट मेरी आँख बंद भी नहीं हुई है पर एक छोट एक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए मैं किसी और लोकेशन पर कुछ और कर रहा होता हूँ और फिर लगता है कि अरे ये क्या था मैं सोया भी नहीं

मैं वहाँ मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं अपनी अवस्था के बिल्कुल छिछले लेवल पे ही जी रहा हूँ और मैं मर भी जाऊँगा तो उसी लेवल पे मर जाऊंगा क्योंकि पूर्ण शांति जो होती है ना अंदर वाली उस लेवल को अचीव ही नहीं करता हूँ मैं तो ये बहुत डेडली है आपके दिमाग के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं कुछ नहीं है दिस इज नॉर्मल स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको अरे ऑर्डर क्या होता है नींद है नींद है आ गई तो आ गई

ये भी उन्होंने बताया ये भी सपना होता है कि आप बिना कपड़े के हैं और आप परेशान हैं कि मैं क्या करूं कोई ख़ास आदमी है वो भी उन्होंने बताया कि तो उसका भी कुछ होगा कुछ साइकोनालिस उसका भी कि किसी आपके मन के अंदर का कोई डर होगा जो उस तरह से बिना कपड़ों वाले डर के साथ गटमट होकर सम्भाओ आप सपने के तहत सपना मुझे लगता है वो ये है कि जो दिन भर आप करते हैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप सोच लेते हैं या जिस काम को बहुत देर तक कर लेते हैं घूम फिर के कुछ उससे रिलेटेड ही ऐसा हो तो मदद ही हो जाए लाइफ में हाँ। नहीं फिर कभी-कभी आदमी के बारे में आपको सपना आता है जिसके बारे में आपने सालों से नहीं सोचा से हाँ, हाँ, तो नहीं, नहीं हाँ। होता है तो उससे रिलेटेड नहीं होता कुछ कभी कभी होता भी है पर बर... जनरली तो मैंने ये देखा है कि वो रिलेटेड नहीं होता बिल्कुल अलग दुनिया है मैं पैरल यूनिवर्स में जी रहा हूँ एक जो मैं दिखता हूँ और अपने आप को समझता हूँ एक जो तब उभर के आता है जब मैं सो जाता हूँ या आधी नींद में होता हूँ ये दोनों दुनिया एक साथ चल रही है लोग कहते हैं कि आपकी दबी हुई भावनाएं या हाँ। कुछ चीजें जो आपने सोच रखी हाँ। हैं जो दिमाग के बिल्कुल पिछले हिस्से में चली गई थी वो उभर के अपने आप को दिखाती हैं और आपको शायद कोई रास्ता बताती हैं करेक्ट वो तो मैंने देखा है बाहरों में चमन को जलते है कोई ख्वाब की तारीफ बताने वाला तो मैंने देखा है ख्वाबों में स्विफ्ट प्लेन में चलते पेट्रोल <laughs> भी नहीं लगे क्या ताबीर होगी सही बात है एक मौलाना साहब बता रहे थे वीडियो में। नहीं एक सेकंड एक सपना ये भी होता है कि जैसे जो इस दुनिया में नहीं जिन, जिनको आपने देख लिया जो आपके अपने थे तो फिर फातिया करानी पड़ती है क्योंकि रूह पहचान है तो कुछ मिठाई या कुछ ऐसा फात्या पड़े शिरनी जिसको वो भी बोलते हैं जो पिछली बार डिस्कस किए थे हम लोग तो वो बंटवाते हैं

चलो मैं यूएन का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ ये मेरा सपना है सपना क्यों है लक्ष्य क्यों नहीं है आपका <laughs> आप 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 हाँ। हाँ। क्यों सपना क्यों है आप क्लियर जान बुझ के न अपने आप को एब्जॉल्व कर रहे हो इसमें एक तसल्ली दे रहे हो आप किस बात से मुझे अपने पापा याद आ गए डिस्क्लेमर <laughs> छोड़ रहे हो ना आप यहाँ सपना देखे थे सपना और अलग अलग चीजें था हमारा जैसे एक बार मैंने मेरे पापा का ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था मैंने भी उनसे पूछा बहुत पुरानी बात है तो कि दस पंद्रह साल करा होगा मैंने कहा पापा आपका कोई सपना था जो जो है तो बोले कि नहीं बेटा अब हम हमारी तो उम्र हो गई हमारा क्या सपना तुम अपने सपना देखो अपने सपने पूरे करो मैंने कहा नहीं तो कहने अब हमने अपने सपने देखने छोड़ दे तो मैंने पूछा कि मतलब कौन सी एज थी जब आपने सपने देखना छोड़ दिए उन्होंने मेरी तरफ देखा बोले तुम्हारी क्या उम्र है कम ने कम पंद्रह साल कहीं बस जब से तुम पैदा हुए <laughs> सपना ही तोड़ दियो नहीं <laughs> अपना ही फ्रेंड है यही है तो मैंने इसको मजाक मजाक में उससे पूछा था कि ऐसा कोई मतलब तुम्हारा क्या सपना था जी <laughs> उसने कहा थी <laughs> <आगे> शाबाश <laughs> ये तो ने आज मारा <laughs> सपना दी। दी। है सपना मोमेंट ऑफ द डे है ये आज थी। सपना थी करेक्ट है पर ये भी तो बहुत सारा होता है कि सपनों में जो ये पंडित जी और मौलवी साहब आपको बोलते हैं ना आज सपना आएगा आपको उसमें आप देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा जो भी आपके सवाल का जवाब है उनसे पूछिए तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें थ्योरी निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं कि आपको क्या सपना आएगा आज आप उसमें देखिएगा जैसे एक राशिद साहब थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे राशिद साहब प्रोफेसर थे तो वो वो, द, वो दफीनों पे रिसर्च कर रहे थे जो जमीन के अंदर जो गड़ा धन होता है अच्छा उस पर कर रहे थे तो उसमें देग होती जो चलती जमीन के नीचे से हम तो लोग बचपन के वक्त बात है लेकिन मोहल्ले में वो जहाँ दिख जाते थे ना लोग उनको भगाते थे कहीं से घर को चुके थे मुझे याद है राशिद अंकल आते थे हमारे पापा के दोस्त थे तो तो उनके पास एक ऐसा जैसे लड़कियों की नेल पॉलिश होती वैसा ब्लैक ब्लैक रहता था तो जैसे आपको बढ़ा लाइए आसिफ साबिए ऐसे आपके यहाँ पे लगाया बोलेंगे अब आप रात में सोइए और सुबह मुझे बताइएगा कि आपने सपने में क्या देखा अब जब आदमी को प्रेशर ऐसा होगा कुछ लगाया तो कुछ तो देखेगा ही कि भाई देखा क्या देखा आपने सुबह बताया कि मैंने देखा तो भुखरे वाली स्टोरी हो गई देखा कि मैं आंगन में बैठा हूँ बस आंगन में पैसा है आपके दिए और कसम खुदा की बता रहे हैं हमारे उनके जानने वाले अशरफ साहब थे पूरा घर गिर पड़ा और अगस्त का महीना था पूरा घर तिरपाल विरपाल डाल रह रहा कह रहे क्या वो राशिद साहब आए थे यहाँ पे वो बता गए थे बचे का हमारे घर वाले खुद गए पुस्तानी खानदानी घर कच्चे का दूध तल लगा बता कि यहाँ तो हंडा गड़ा हुआ हंडा बोलते भाई देख देख पूरा नहीं हाँ। भरा है पूरे घर वाले खुद मेरे चाचा बाबा भाई भाई कजन वजन चालीस पचास लोग मजदूर नहीं ले जाते घर ढा दिए खनर बना हुआ है वो तो ये ऐसे राशिद साहब जो घूम रहे हैं ना राशिद साहब की उसमें खासियत ये थी कि बोलते थे जब बिल्कुल करीब का मामला तो बोलते थे अब आपको एक नाबीना मौलाना चाहिए अंधा अंधा मतलब अब अन्धा मौलाना ढूंढा जा रहा है ऐसा क्योंकि क्योंकि वो उसको दिखना नहीं चाहिए पे कुछ आयत भी पढ़नी है उनका मामला मामला थोड़ा 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 वो भी था कि थोड़ा धार्मिक भी था थोड़ा था मामला थोड़ा था रिसर्च बेस था Actually, नहीं 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 था कि धार्मिक रिसर्च एक्चुअली उन्होंने कहा

ताऊ ने एक बार डरा रखा है मुझे कि बड़ी वाली बिल्डिंग गिरी की नहीं इसे चपक जाएगी अर्थक्वेक आकर मेरे दिमाग में अर्थक्वेक चलता है लिफ्ट नोएडा की गिरती रहती है गंदी मौत है वो लिफ्ट मुझे एनजाइटी होने लगती है कि जल्दी से ऊपर पहुँच जाए कहीं गिरना ना जाए उससे पहले तो एक दिन सपना हम देखे कि सो रहे हैं और बहुत ऊँचे पहाड़ पे और ट्रेन वाले स्लीपर क्लास जो होता है गद्दा उतना ही सी जगह पर हम लेटे हुए अब मेरी हालत खराब है कि मैं झांक रहा हूँ इधर और कोई सपोर्ट नहीं दाएं बाएं पसीने पसीने में उठा था तो मैं उस सपने से डरता हूँ तो तो बाद में देखा बिस्तर से गिर गया नीचे बस। नहीं नहीं गिरा क्योंकि मैं डरा हुआ था अच्छा और मैं बिस्तर पे चिपका हुआ था आंख खुला तो लगा अच्छा अच्छा मैं बिस्तर पे हूँ फिर मैंने देखा मेरा सीधा है बल्ब लटका हुआ है वो अगर हिल जाए तो अर्थक्वेक है अर्थक्वेक है और मैं भाग लूंगा लेकिन कहाँ फ्लोर पर घर है तो तो भागना नहीं मैं किसी भी ऊंचे मकान में रहते हैं अगर आप हम बचेंगे तो आपको पूरा क्रेडिट देंगे ऐसा तो आप कहीं ना भागे चुपचाप सिलेट की किताब पढ़े <coughs> क्योंकि अर्थक्वेक में आपको भागने से कुछ नहीं होगा आप बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और वो ऊंचे वाली बिल्डिंग गिरती नहीं है बहुत बहुत पर इसका एक हैक ये ये है 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 कि जो दरवाजे दरवाजे का होता होता ना उसके, उसके नीचे हाँ, बीम पड़ा होता है। वो थोड़ा आपको सेव कर सकता है आप अपने घर में बैठे रहो थोड़े आराम से क्योंकि उतनी ऊंची उतनी लंबी बिल्डिंग ना टॉल बिल्डिंग है ना वो हिलने का उनका स्कोप रहता है और वो लोहे सरिये से बनी होती हैं तो वो आराम से हिलती है दोनों तरफ वो गिरती नहीं है जो हिल नहीं पाता ना जो झुक नहीं सकता वही टूटता है करेक्ट लेकिन आपने कहा था दो बिल्डिंग ऐसे रह जाएंगी तो हमारे एक तरफ तो है इधर कोई बिल्डिंग नहीं है है अरे वो झूलती जू, हवा में इधर गिर गया तो गिरेगा कहा गिरेगा नहीं उसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी है वो ऐसे ऐसे होकर वापस आ जाएगा हाँ टेंशन फ्री एकदम फिर भी डर बना जाता है अर्थ कोई अकेली ऐसी चीजें जिसे कोई नहीं कह सकता कि मुझे डर नहीं लगे ये तो है और हमारे एक बार दुद्धी में आया था तो एक मौलाना साहब थे बोले ये सैतानी हरकत हो रही है अभी रुक जाओ मैं इसे सही कर दूंगा लोग उनको घसीट के बाहर निकालेगी भूकंप आया हुआ वो शुरू हो गए लाहौल भी लाख और ये वो फलाना ढमाका अल्लाउ अकबर चिल्लाना जो भी कि मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा पूरे गनगन रहा है घर उनको पकड़ के बाहर निकालेगी अर्थ को क्या बाहर निकल लिया ये हाल था अपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है बिल्कुल नहीं सुन क्योंकि सपनों से उनका भी कनेक्शन होता है ये सब बकवास काफी आपको सपने बेचते हैं वो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा सपने बेचते हैं और बाद में आप खुद बिक जाते हैं <laughs> उनकी सब थ्योरी में नहीं नहीं देखो वो उनकी भी मैं ताऊँगी थ्यूरी उनकी एक जगह है उनका एक स्थान है जीवन में वो अपना एक काम कर रहे हैं आप अपना काम करो आपकी बात को ज्यादा मैं तवज्जो देता हूँ क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है तवज्जो तो दो ही मत नहीं नहीं आपके उसको तीन तालिये दे रहे हैं फॉलो कर आदमी देखो यार कोई इस दुनिया में किसी को कोई याद नहीं रखता एवरेस्ट पे चढ़ने वाला आदमी कौन था बचेंद्री पाल और उसके बाद नहीं पता एडमंड हिलेरी पहला आदमी एडमंड हिलेरी था न्यूजीलैंड का अब हजारों चढ़ते हैं इतना कि ट्रैफिक जाम लगा दिए ऊपर कोई नहीं जानता नौरंगी ऐसे ही चढ़ गए <laughs> में कभी मजाक मजाक, तो मजाक मजाक में चढ़ गए रह गया था वो आपका नहीं सीरियसली बीएसएफ में थे तब बॉडी बॉडी फिट था उनका मजाक मजाक में चढ़ गए अच्छा क्यों वही मोटिवेशन <laughs> गए थे वो चढ़ा दिए किसी ने हाँ <laughs> नहीं नहीं ऋषिकेश गए थे तो ऋषिकेश में क्या है कि इस तरफ से सड़क है जी। दूसरी तरफ भी सड़क है जिसपे लोग ज्यादा जाते नहीं है बद्रीनाथ वाले में रहते हैं बीच बीच में पुल है जिससे उस तरफ जा सकते हो तो उस तरफ बहुत सारे ऐसे नीलकंठ वाला रास्ता जो आप कह रहे हैं नीलकंठ वाला रास्ता उधर ऐसे भी घर है तो उधर ना बहुत अगर आप ट्रेकिंग का शौक रखते हो एक्सप्लोर करते हो आप जाएंगे तो अचानक कहीं पे भी मंदिर मिल जाएगा ये एक बाबा बैठा होगा है ना तो पहाड़ से सटा हुआ एक मंदिर था उसके बगल में ही बाबा था तो ये उतरे थे उतर रहे थे उधर से कहीं से उस समय की बात है ट्रेकिंग करके आ रहे थे तो थक गए तो वहीं पे बैठ गए बैठ गए फिर बाबा से पूछे कि बाबा मैं रात में यहां रह जाऊं तो बाबा ने कहा रह जाओ पर खाने पीने का नहीं है कुछ मेरे पास तो उसने कहा कि नहीं मैं है मेरे पास कुछ तो फिर रात में इन्होंने कुछ टेम्पररी वहीं बाबा का ही कुछ लेके अपना भी कुछ मिला के बनाया बाबा और इसने दोनों ने खाया और ये सो गए सोने के बाद रात में इनको आवाज सुनाई देने लगी और गलत ग्रामर में आ, बड़ो, बड़ो, क्योंकि पीछे ने बहुत अच्छा था कोई गा रहा था खबर लेने नहीं आई दिल जिस पर आया बेखबर हो गए हम तब ये खबर आया कि वो भी हमसे प्यार करते हैं तो इनका हिंदी हिंदी ठीक था तो खबर आया नहीं होता खबर आई, आई होता, होता है होता है ना राइम करने के चक्कर में जो भी गा रहा था हाँ। पर वो आवाज ऐसी थी ना रूहानी टाइप की ऐसी आवाज थी कि इसका ना इयर वर्म हो गया इयर वर्म समझते हो जी जी, जी। कि कोई गाना ना आप सुन भी नहीं रहे हो फिर भी आपके कानों में वो चल ही रहा है हमेशा ठीक है तो वो वहां से गए घर और फिर अपना काम वाम ज्वाइन किया लेकिन दिन भर इनके दिमाग में वो चल रहा है घर में भी खबर लेने खबर लेने आए। आए। दिल जिस पर आया बेखबर खबर हो गए हम तब ये खबर आया कि वो भी हमसे तो उसकी पत्नी शादी में बहुत दिन नहीं हुए थे सब थोड़ा सा क्रैक हो रहा है बंदा और ये दफ्तर में भी इनका कोई ऐसा आउटपोस्ट वाला ड्यूटी नहीं था तो दफ्तर में भी इनको सब आदमी तो ये गाने से अपसेस्ड लग रहे थे सब आदमी बोले क्या हुआ है बोला यार, यार ये दिमाग में जय नहीं गा पा रहा हूं पर अगर तुम सुनते ना तो तुम भी नहीं भूल पाते ऐसी आवाज थी तो सब बोला कि तुम जाओ और देख ही आओ तो फिर आए वो वही बाबा के मंदिर गए और बाबा को पहले तो गाँव गाँव जब पीने दिया पूरा और बोला बाबा पहचाने आप हम लोग रात में खाना बना के खाए थे तो बाबा फाइनली फिर पूछता है बाबा एक बात पूछूं शाम होने पे तो बाबा को लगा कि आज फिर टिकेगा सला ही तो बाबा <laughs> कह रहा है कि शाम हो गई अब निकलो तुमको काफ़ी दूर है सोलह किलोमीटर है तो बोलता है बाबा एक बात पूछू तो बोला पूछो बाबा ने सोचा कि इसको निकालते हैं तो कहता वो सुना के बताया हाँ। आवाज कहां से आ आवाज थी कौन गाता है तो बाबा का एक बड़ा अजीब सा सिस्टम था कि वो कुछ भी वो जवाब देते थे ना तो पहले कुछ बुदबुदाते थे हाँ। <laughs> और फिर बोले कि तुम सामान्य पुरुष हो बच्चा नहीं समझोगे सिद्ध पुरुष को ही बता सकते तो इसको लगा कि ये क्या बात हुई बोला सिद्ध पुरुष क्या होता है बोला बॉस शक्ति मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए पेशेंस होना चाहिए है ना जो गुण होते हैं तीन चीज सीखो पेशेंस स्ट्रेंथ और स्टेमिना ये अगर तुम कर लिए तो सिद्ध पुरुष हो गए तो बोला वो कहां से आएगा हिमालय पे बोला स्ट्रेंथ चढ़ जाओ सबसे ऊंचे पर्वत पे और स्टेमिना रेत में से दो रेत एक तरह के दे दो के मुझे गंगा में कूदा गंगा सागर में निकला वो <laughs> एवरेस्ट में रजिस्ट्री की एवरेस्ट चढ़ गया और सात महीने लगा के दो दाने रेत के एक जैसे लेके ले बाबा के पास गया बोला ये रहा अब बताओ पेशेंस गाया कौन रहा अब बताओ कौन गा रहा था <laughs> तो बाबा पर्दा है पीछे का दरवाजा खोल दिए पीछे तो पहाड़ की ऊंचाई थी लेकिन वहां वैली दिख रही थी और पूरा नीला और फूल वूल देख के चकित हो गया है ना तब जाके उसको पता चला कि कौन गा रहा था कौन तुम सामान्य पुरुष हो अरे से तो पुरुष को ही बताया जा सकता। मुझे पता तो ये कुछ गुली है इसमें सामान्य पुरुष है बहुत बढ़िया <laughs> बहुत आगे ये चले गए को करेक्टर एक बना के तो इसी चर्चा के तो ये साथ ये तीन काम कर लो नहीं हम नहीं करेंगे हम ठीक है हमको नहीं जान गाना कौन गाया था हाँ <laughs> तो सपनों पे यही बात रहे थे और नारंगी को आप हमें पता नहीं चल पाएगा आखिर मतलब मजा नहीं आ रहा कि ये ये जाने की आवाज़ किसकी थी ये ये किस्सा भी मेरे साथ चला जाएगा। चला जाएगा चलिए बहरहाल तो बढ़ते हैं बाजार खबर की तरफ सपनों की सच्चाई के बाद तो बिजार खबर में बता रहे हैं कि बिजनौर से आई है और बिजनौर एक... है <laughs> <भीजनौर> <laughs> में बिजार। में बिजार। तो उसमें ही बता रहे हैं कि एक वहाँ पे तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ था कई लोगों को वो हमला कर चुका था आदमखोर से घोषित किया गया था तो वन विभाग ने पकड़ने के लिए उसको एक उसके अंदर एक बेट की तरह बकरा बांधा बकरा बांधा तो कोई बकरा उठा के ले गया वहां मटन पार्टी हो गई ये दुनिया के सबसे जीने लायक नहीं रह गई तेंदुआ को नहीं खाने दिए पकड़ना है तेंदुआ तेंदुआ पकड़ना है और ऐसा ऐसा एक बार बार नहीं हुआ ऐसा कई बार हुआ कई तो अब इसके बाद गांव वाले कह रहे तेंदुआ बाद में पकड़ो पहले बकरा चोर को पकड़ो <laughs> तेंदुआ तो पकड़ते रहे क्या वैसे गुलदार जो होते हैं ना वो गुलर नहीं होते ना उनको कह दिया जाता है उसने हमला कर दिया कि यह है वो मटन ही ढूंढ रहा है <laughs> गलती से आदमी जो वो, वो भी बकरा चोर को रहा मुझे लगता है जो ले गया मटन उठा हाँ, के मटन का टेस्ट जो है ना हाँ। वो ढूंढ रहा है कि किसने खाया है इनमें से उसको मैं ले जाऊंगा <laughs> उसको उसको नहीं ले जाके पता चलता है उसको <laughs> कि इसने नहीं खाया था <laughs> <laughs> लोग सच में यार ये तो बिजार में पिछली बार कुलदीप थे उन्होंने बताया था पिछले से पिछली बार में कि पिंजरा लगाना था जो बंदा सिखा रहा था कैसे पिंजरा काम करेगा पिंजरे में वो, दो घंटा लग रहा उसको निकालने में। तो हिंदुस्तान है ऑफर हाँ। कर रहे हैं की शेर दिल शेर दिल शेर दिल देखिए मैंने तो इस देश में हालात तो ऐसे है ना कुछ कुछ वो पीपली लाइव की स्टोरी लाइन थी उसकी हाँ हाँ पीपली लाइव ही चल रहा है अपने सब वैसे ही है अभी जैसे चाइना की खबर थी कि एक कुत्ते को पांडा की तरह पेंट करके रखे हुए थे में तो जो, जो का पता चले कुत्ता है मतलब आदमी क्या से क्या करने पे आया वो बताइए तो पांडा बहुत कम बचे हैं वो कहां से लाएंगे पांडा बताओ <laughs> तो इसका मतलब थोड़े क्या बेवकूफ़ बना रहे मैंने आपको एक बार शेर खान ने बताया था कि एक सूचना विभाग के एक अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हमारे साथ जब हमारे अफसर साहब जाते हैं किसी सेंचुरी वगैरह में और उनको शेर देखना होता है तो शेर नहीं दिखता है तो थोड़ा नाराजगी होती है कि यार दिखा नहीं तो वो किसी ऐसे अर्दली को किसी उसको शेयर वेर का कपड़ा पहना के वहां खड़ा कर देते हैं दूर पे सर, और कहते कि मतलब। थोड़ा सा दिखना ज्यादा नहीं दिखना <laughs> थोड़ा, थोड़ा सा दिख के गायब हो जाना तो देखा देखा सर था आपने वहां पे जाड़ी। कुछ दिखा तो था ऐसे कुछ गुलदार टाइप का कुछ तो वही तो था सर तो उसमें नाराजगी कम होगी उनकी चाइना के जू के बारे में अक्सर आता रहता है कभी चिंपाजी कभी कुछ वो ना आदमी को भी ड्रेस पहना के बिठा देते हैं दूर से बच्चों का प्रेशर रहता है ना बच्चों ने टिकट ली है उनको क्या पता कि आपका जो लास्ट चिंप, चिंपा जी रोबी था वो मर गया सही तो के के में बांग्लादेश के लोग फेल <laughs> दिया गया तो हाँ बाघों की संख्या लगातार घटी घट गई ये भी ही गया बस लेंस तो कर ही दिया था इसको पीट पाट के एकदम लिटा दिए थे कानपुर शहर में आप वो पेंट करके लगा के घूम रहे हो ए? वो तो फिर भी बचा रहे पान का पीक मारे होते तो <laughs> अच्छा, तो सुंदर खाल वाला मानी था तो बकरे वगैरह लगाया जाते थे चोरी तो नहीं हो जाता था वहाँ <laughs> नहीं नहीं वहाँ तो टाइगर सच में था आदमी आता चोरी करने तो चोरी हो जाता जो कानपुर का ही था मेरे ख्याल से या कहीं का था लखनऊ या कानपुर का एक बंदा

उस विजय दिनाना जिसको तो वो देख के फिर ऐसे हाथ भी जोड़ता रहता है कि भाई कर दो और फिर बाद में उसको उठा के ले जाता है वो मार वो, दिया था उसने मार, उसमें वो ये था कि टाइगर उसके साथ खेल रहा उसके लिए नई चीज थी लोगों ने जब पत्थर मारा तो उसको लगा मेरा टेडी बियर है, है तो यूजली टाइगर यहीं से पकड़ता है ट्रैक करने के लिए उसने पकड़ा घजेट के लिए तब तो वो मर गया इतनी सी बात थी वो लड़का कुछ मेंटली इल तो होना ही चाहिए ऐसे आदमी को कलकत्ता में भी हुआ है बहुत जगह जूम है हमारे यहाँ लोग कूद जाते हैं दारू पी के एक बंदा कूद ये तो सेल्फी लेने गए थे नहीं नहीं ये गया था देखते देखते गिर गया था अच्छा एक और था वो दारूपुर था वो शेर था मतलब लायन। उसको हरा भी दिया था चोर मैं वो प्रसाद <laughs> क्या देख रहा हूँ मैं हे प्राणनाथ हे <laughs> <ए> प्रभु हे <laughs> <ए> प्रभु मतलब <laughs> वो डर गया डर गया वो शेर, का, शेर मुझे याद है वो वाला वीडियो भी देखा था मैंने कि शेर भी चकित था कुछ तो होगा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है बहुत अजीब अजीब किस्से हो जाते हैं यार तो कॉमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं हाँ यार वो तो बेस्ट हमारा ठीक है देखते हैं पिछले हमारे एपिसोड पे क्या क्या कॉमेंट्स आए हैं रमनदीप का कॉमेंट है ताऊ नवरंगी और हरकू की कहानी सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है आगे भी सुनाते रहिएगा सुना आज फिर एक रेनू यादव का कमेंट है मैं ताऊ से सहमत हूँ हींग बेकार ही प्रचलित है जन्माष्टमी पर मैं पंचामृत जो दूध दही पंचवेमा तुलसी शहद और चीनी से धनिया और बुरा की पंजीरी आटे की पंजीरी जरूर बनाते हैं स्वाद की वजह से सोचा जाता है कि बीच बीच में बनाते रहेंगे किंतु बनता साल में ही एक बार अनिश तिवारी कमेंट कर रहे हैं बाकी दिन बाकी ऐसा ही कुछ सिवइयों के साथ भी है आपको बीच में बनती हैं पर वो बात नहीं मतलब अच्छी तभी लगती है वैसे मुझे तो यूँ भी नहीं पसंद है बहुत मीठी होती हैं पर ईद की फिर भी ठीक खा ली जाती है अनिश तिवारी कह रहे हैं अच्छा लगा मज़ा आया बीच बीच में डेंस हो जा रहा था ये वाला अच्छा लाइट था बिजार को कट शॉर्ट ना करें बल्कि और समय दें प्लीज़ बाकी जब ताऊ कह रहे थे कि बंदर को क्या चाहिए मेरे मन में गाना चल रहा था एंड आई कोट बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए <laughs> 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 चिट्ठियों की तरफ बढ़ते हैं पहली चिट्ठी जो है वो अविनाश शर्मा की है लिखा है ताऊ को साष्टांग चाचा को पावलागी और सरदार को राम राम हॉल्डिंग द्वांग वो सावजेवलाह अर्थार्थ सब मोह माया है उद्घोष के साथ दूसरे मौसम की इकहत्तरवीं कड़ी सुनते हुए आज का पत्र आरंभ करता हूं इतनी अतरंगी घटनाएं घट रही हैं आजकल दुनिया में कि सब कुछ को कुछ एक घंटे में समेट पाना तीन तार के लिए संभव नहीं है केजू भाई का रामायण प्रेम अद्भुत है राम के करता होते हुए भी दृष्टा दृष्टा रहकर भी करता हो जाने के मंत्र को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया है राम उनकी और उनकी प्रजा को मंगल करें चिंता तो आतिशी के लिए हुआ जा रहा है कि कहीं उनका खड़ाऊ प्रेम ही उनके खड मंगल में घोतक ना हो जाए ताऊ आपको ईश्वर में आस्था नहीं है जानकर कुछ दुविधा अवश्य हुई किंतु इस बात पर आश्वस्त हूँ कि आपने विकल्प खुले रख छोड़े हैं अपने धार्मिक होने की निजी परिभाषा ही सनातन को इसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचा सकती है क्योंकि ईश्वर ई स्वर का ही विस्तार है मोटी मोटी धर्म की सभी शाखाओं के साहित्य का मूल मंत्र यही है मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की यात्रा नितान्त दुर्गम है किंतु इसकी साधना अत्यंत सरल भी है शुद्ध अंतकरण से ईश्वर के उपदेशों का जीवन में आचरण मात्र से हम ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं किंतु हमारी तो प्रॉब्लम है कि कृपा फाइव स्पीड से आए तो फिर हम एजेंटों के माध्यम से शॉर्टकट कर लेते हैं और शॉर्टकट का साइड इफेक्ट तो सबको पता ही है उस मंदिर के प्रसाद को महाप्रसादम कहा जाता है अपन को अब तक इस अमृतुल्य के सेवन का अवसर नहीं हुआ है और इस घटना के बाद अब लालसा भी नहीं रही है प्रसाद का चलन राजाओं के समय में मंदिरों में भगवान को भोग लगाने के बाद सामान्य प्रजा और निर्धनों आदि में वितरित करने के लिए हुआ था भाव ये था कि देवांश का पान करके कृपा सबको मिले व उनके राज्य में देवालयों से सबकी शुदा शांत रहे तत्कालीन समय में शुदा विप्लव उत्पात आदि का मुख्य कारण हुआ करता था संसार का एक नियम है कि आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते किंतु ये सबका वाले मंत्र से चिपकी हुई अपने ही जनाधार की डाल निरंतर काटे जा रही है कंगना से एक बार मिल चुका हूँ 2015 में उनकी फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न का प्रचार समारोह में उनसे मुलाकात हुई थी तो ये है इनकी चिट्ठी इन्होंने आप पे जो ताओ की आपके ईश्वर वाली आस्था पे भी इन्होंने तो मैं तो किया तो सबको पता है मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं गॉड इत्यादि जो भी जिस जो प्रचलित परिभाषा है जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है उस पर मेरा कोई उनके होने का एहसास मुझको नहीं है होंगे तो अपना देखें मैं अपना देख रहा हूँ <laughs> <laughs> पर प्रसाद के बारे में यह है कि बहुत लोग ना उद्वेलित है इस देश में जी कि प्रसाद में ये पाया गया वो पाया गया।, गया एक बार प्रसाद हो जाए ना तो सब तो फिर वो प्रसाद हो प्रसाद हो जाता है वाहमें क्या मिला है क्या कौन जानता है नहीं अच्छी बात है प्रसाद आप अपने घर प्रसाद के प्रसाद, प्रसाद में भी आप बाजार से चीजें लाते हो उसमें क्या किस में क्या मिला है एक बार प्रसाद हो गया तो प्रसाद हो गया फिर तो पवित्र हो गया ना हाँ बिल्कुल ये पानी है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना है फूक दी पीता हूँ तो पानी है पैर धोता हूं तो पानी है। तो पानी है भगवान को चढ़ा दू तो उसके बाद चरणामृत है उसके बाद उसको प्रणाम करके खाते हैं और कोई मौलाना फूक दे तो दम किया हुआ पानी, तो, दम हुआ पानी। तो प्रसाद में ये बहुत आवश्यक है कि प्रसाद में सिर्फ शुद्ध चीजें ही मिले जो परंपराओं आपके धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक हों पर कहा से अगर किसी ने बेईमानी की और उसमें कुछ ऐसा मिला दिया जो उसमें नहीं मिलाना चाहिए नकली घी इत्यादि इत्यादि तो गुना उसके सर हाँ लेकिन एक बार वो प्रसाद हो गया तो फिर लड्डू नहीं रहा तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा विवाद ये मसला सबका नहीं है जिन्होंने वो प्रसाद खाया है ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रसाद खाते खाया है जिन्होंने उनको भी लोग बोलते हैं अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया आपका कुछ भ्रष्ट नहीं हुआ है जिसने प्रसाद में मिलावट की उसका धर्म भ्रष्ट बिल्कुल करेक्ट वो कल्प्रिट है वो अधार्मिक हुआ उसने अपना धर्म नहीं निभाया आपने अगर एक लड्डू को प्रसाद की तरह खाया तो फिर प्रसाद है यार बिल्कुल सही बहादुरगढ़ से विनीत की चिट्ठी है तीन ताल के तीनों स्तंभों को थोड़ा थोड़ा सीमेंट और पानी आप लोग यूं ही मजबूत बनते रहें पिछले एपिसोड में हुई प्रसाद की चर्चा से एक छोटा सा किस्सा ध्यान आया है साल 2008 की बात है जब मैं और मेरा दोस्त पीके ट्वेल्थ क्लास के बाद हर रोज मंदिर जाने लगे थे रोहतक में

और वो उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने दोस्त को पूछने से पहले ही उसकी हाँ और ना मालूम होती है तो फिर मैंने और पीके ने आंखों आंखों में बात की और खटाक से छः बाई पाँच के अनुपात में ग्यारह रुपये निकाल कर प्रसाद ख़रीदने के लिए आगे बढ़ाए और बोला कि भैया ग्यारह का प्रसाद दे दो पैसे इतने होते थे हमारे पास तो भाई ने भी फटाफट एक पहले से पैक प्रसाद की काली थैली हमें थमा दी हमारा मन तो था कि तभी कि तभी उसे चट कर जाएँ पर आसपास मौजूद समाज के नुमाइंदों को दिखाने के लिए कि मुख्य मकसद तो हमारा भगवान को अर्पण करना है <laughs> तो हमने अपनी लपलपाती जीप को काबू में रखते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए अंदर जाकर हमने थैली को खोला ताकि थोड़ा सा प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और बाकी हम बिना किसी ग्लानी के साथ <laughs> चटकरा <था> सकें <laughs> पर उस थैली के अंदर था सौ ग्राम सरसों का तेल अब हम दोनों को तो जैसे बूंदी का प्रसाद रेत में बिखर गया हमें उस दिन पता चला कि का 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 प्रसाद सरसों तेल ही होता आ, है। फिर जी का होता है है बूंदी हनुमान जी फिर जालिम समाज की नजरों में अपने आप को पक्का भगत साबित करने के लिए हमने सारा तेल शनिदेव को अर्पित किया ईमानदारी से और शनिवार को प्रसाद की इच्छा को हमेशा के लिए दफन करते हुए अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल पड़े बहादुरगढ़ से मैं विनीत जय हो जय हूँ विनीत भाई बड़े दिनों के बाद हाँ हाँ और अच्छा और यार बूंदी अगर चाहिए तो मंगलवार हाँ। हनुमान जी हनुमान जी हाँ। वाला बूंदी वही है हाँ। लेकिन महादेव के लिए सरसों का तेल था तो आप उसको फ़ायदा मिला होगा आपको ज़रूर 2012 में 2012 या 13 में 12 में बरसात में बरसात शुरू ही हुआ था उसमें जुलाई लेटर जुलाई में मैं गया तो भोपाल जा रहा था मैं अपनी गाड़ी से जी फ्रेश बारिश हुई थी और एकदम पहाड़ के ऊपर किला उसके ऊपर दूरदर्शन का टावर बूंदी जब फ्रेश होता है ना बहुत सुंदर दिखता है पर मैं नीचे नहीं गया वहां पे बहुत तो मिलती है मुंह में पानी आ रहा है मिठाइया कोटा से आगे जाओ जी तब तो आता है बूंदी ऐसा है आगे खत्म मैं मुंह में पूरा टेस्ट ला रहा हूँ आगे ये वो छोटा सा आगे जा बूंदी फ्रेश अरे लाल अरे एकदम नहाया हुआ अरे यार वो ही मौसम अगर ताजा बूंदी देखना है ना तो बूंदी जाओ बरसात में जाओ गर्मी में बहुत अच्छा गर्मी पड़ती हैं अगली विनीत भाई विनीत भाई तुम भी जो ताऊ कर रहे हैं पैसा ही करो बारिश में बूंदी जाओ फ्रेश बूंदी देखो

जिस तरह का समर्थन हमको मिलता है पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं करीब सही आ, और हम थोड़ा सा एक्सचेंज भी आएगा बिल्कुल बिल्कुल तो ये साझा करना चाहते हैं कि जर्नलिज्म की दुनिया में इन्होंने कैसे कदम रखा यू सी आई टू वंस वर्क इन कमलेश किशोर न्यूज रूम लगभग चार महीने पहले इंजीनियरिंग के बाद आईएएमसी से पत्रकारिता का कोर्स किया और फिर पाँच साल तक न्यूज़ रूम की दुनिया में पूरी तरह से डूबा रहा वो समय बेहद रोमांचक था हर पल किसी न किसी ब्रेकिंग न्यूज़ में व्यस्त हमेशा दुनिया से जुड़े रहना लेकिन एक चीज़ हमेशा कम लगी और वो थी पैसे की कमी जो आज भी है <laughs> पत्रकार जहां आप समाज को जागरूक करने का काम करते हो खुद हर चीज़ से अपडेट रहते हो वहां मेहनत के मुकाबले सही भुगतान नहीं मिलता दिन के 12 घंटे काम करने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ की भागदौड़ में लगे रहने के बाद और अनुभव लेने के बाद भी जब पैसा हाथ में आता था तो लगता था कि क्यों किया ये कोर्स क्यों आई इस फील्ड में मैं मेरे दोस्त जिन्होंने एम किया था वो मुझसे दो तीन गुना ज़्यादा कमा गए जबकि वर्क एक्सपीरियंस लगभग बराबर था ऐसे में मन में कई बार असंतोष होता था फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट किया और धीरे धीरे कमलेश किशोर के न्यूज़ रूम से निकलकर कर बैंगलोर फिर दिल्ली और अब नोएडा दिल्ली में जम गया मजले भैया तो अब पड़ोसी बन गए हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहते हैं ये सच कहूँ तो पत्रकारिता ने कभी वो वित्तीय संतुष्टि नहीं दी जो मैंने सोची थी हालांकि मुझे लिखने और दुनिया से जुड़े रहने में संतुष्टि और ख़ुशी मिलती है लेकिन आर्थिक रूप से कभी संतोष नहीं मिलता अब लगभग नौ साल हो चुके हैं पहले ख़बरें लिखी अब मार्केटिंग मटेरियल लिखता हूँ कभी कभी सोचता हूँ तो शायद एम ही कर लेना चाहिए था लेकिन अब इस सफ़र को अपना लिया है और ये भी सच है कि कुछ जान पाना सब कुछ जान पाना मुमकिन नहीं है आपकी राय जानने की उत्सुकता है नहीं नहीं तो मैं पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और ख़ास करके जिस धंधे को मैंने अभी बाय बाय बोला है उसमें पेशेंस बहुत चाहिए बिल्कुल पर यह बात है कि जब आप पेशेंस रखेंगे तो एक टाइम आएगा हो सकता है बहुत पैसे कमाने लगे पेशेंस ऑलवेज पेश, फिर आपको ये लगे कि यार इतना भी पैसा कोई कमाता है क्या पेशेंस पेज है? हाँ, है पर हकीकत ये है ना दुनिया का कि कोई भी पैसे इनफ नहीं कमाता कमी पड़ जाता है हाँ वो एंटीलिया जाओ ना हुँ. वहां पे भी लगा रहता है कि सैतीस परसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो कम है थोड़ा बहुत ऐसा ही है पैसे कभी इनफ नहीं होते जैसे इन्होंने बोला आई एम सी से कोर्स किया

मनी आई नो मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट बट उतना भी कम नहीं मिलता है कि आप जिंदगी ना जी सको पर उससे भी इम्पोर्टेंट है, आ, है हो बहुत दिन तक लाइफ को, तो वो जो कम पैसे मिलते थे ना उसको बैलेंस कर देती थी वो चीजें करेक्ट जो खुशी जो एडवेंचर होता है होता है मतलब एडवेंचर का जो खटना पड़ता है उतना आपसे कोई नहीं खटाता किसी भी धंधे में बिल्कुल चौबीस घंटे की ड्यूटी हो गई आजकल न्यूज में आज व्हाट्सएप ग्रुप है हमेशा से चौबीस घंटे की ड्यूटी रही थी नहीं पहले तुम फोन नहीं होते थे तो आराम था अब तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेल है जब से चौबीस घंटे की न्यूज हुई है तब चौब से चौबीस घंटे की ड्यूटी, की ड्यूटी भी, भी हो गई है और क्या पैसा जमशेद भाई के जो पहने हैं जैकेट कम पैसा लग रहा है आपको हाँ सही बात कोई कम होता है धुलाई नहीं।, <laughs> <laughs> अच्छा वो वो अच्छा नहीं नहीं मैं देखो पैसे को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए पैसा जरूरी है और अगर आप खुश नहीं है और पैसे भी नहीं है तो फिर क्या फायदा तो बहुत बिल्कुल कठिन है जीवन बहुत बुरा लगता है अच्छा है हर हर आदमी को जो है दोनों में से एक चीज तो मिलना नहीं। और जैसे था। वो कहते थे प्यार चाहिए, चाहिए। ना गाना गाना था था। चाहिए, चाहिए। बिल्कुल <laughs> 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 कमती पड़ जाता प्यार कितना भी करो कम है पैसा तो कम पड़ ही जाता है आखिर में छोड़ो करो प्यार कम ही बहुत होता है ज्यादा जहर पैसा बहुत भी कम होता है वाह क्या कह गए ये ये आज सेकंड लाइन है आज ये ताऊ के आज अखबार में नौकरी करो तो हेडलाइन बन जाती है खैर गोरखपुर धंधा की चिट्ठी की तरफ अप्रूवल है। देता है लोग <laughs> <laughs> मैं कितना छोटा बात किया नहीं नहीं छोटी आप... बात नहीं है सर ये आपकी बात से गागर में सागर वाली बात है ये ताऊ की बात को मैंने ये देखा है कि ज्यादा अगर आप इनके करीब रहेंगे या तो तबाह

यार सारा कूलपन खुद ही ले लोगे तो हमारे जैसों के लिए भी कुछ छोड़ोगे बंदर के फ़लसफा और वर्ड प्ले कम था कि अब पता चल रहा है कि आप नॉम मैकडोनल्ड के भी फ़ैन हैं सरदार और खानचा मैं आपको बताऊं पिछला एपिसोड मैं बर्तन धोते हुए सुन रहा था और भाई ताऊ ने छेड़ दी मौत वाली कहानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं प्लेट पर साबुन का झाग फिसलते फिसलते रुक गया ताऊ कहानी का हिंदी में तर कर, तर्जुमा करते जा रहे थे और मैं हंसी दबाए खानचा और सरदार का सरदार को वीडियो में देख रहा था कि मानो वहीं बैठा हूं और ज़ोर से हंस दिया तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी पंच लाइन पर खानचा का रिएक्शन देखा और मुझे कोनन ओब्रायन का रिएक्शन याद आ गया जब नॉम ने उसको ये कहानी सुनाई थी इसके बाद ताऊ वाला संस्करण मैंने अपनी पत्नी को सुनाया तो वो पोहा बनाते हुए मुझसे बोली अगर तुमसे शादी ना की होती तो अभी ये मसाले से सनी करछी फेंक के मारती और मैं बस खड़ा हंसता रहा यही तो जादू तीन ताल का कब कहाँ किस चीज़ से तार जुड़ जाएँ सोच ही नहीं सकते सच में दिस इज़ ट्रूली अ पॉडकास्ट दैट कीप्स ऑन गोइंग नॉम की बात बस ये कहकर खत्म करूंगा कि जब एक दिन अचानक पता चला कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे तो बड़ा दिल टूटा सरदार खानचा और बाकी श्रोता भी अगर अभी तक ना देख पाए हो तो नॉम का नेटफ्लिक्स स्पेशल हिटलर्स डॉग ज़रूर देखें उसकी आखिर की लाइन में अक्सर सुनकर आंखें भर लेता हूं जिसमें वो कहते हैं देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सब प्यार से रहें वाह तो ये है यार नॉर्म इतना हुए ना पता है इस बार मैंने भी घर में देखना शुरू देखा बहुत दिन हो गए थे पर इतनी बात हो गई बीच में और तो मैंने भी लगभग लग एक दिन बहुत सारे पुराने पुराने YouTube पे भी बहुत सारे हैं तो वो सब देखे और फिर नेटफ्लिक्स पे उनका एक शो एक नॉर्म मैकडोनल्ड शो होता था वो नेटफ्लिक्स पे भी है जी। तो वो भी मैंने देखा तो इस बार बहुत मुझे बहुत मजा आया आ, आगे लेकिन ये जो लाइन इन्होंने लिखी ना सच में जब मोत आपने बोला ये साबुन हम लोग खुद हालत खराब हो गया था हंसते हंसते कमाल का वो पंच लाइन था आपका नहीं मैं पर ये मैं बहुत डर रहा था उस दिन क्योंकि लैंड करेगा कि नहीं पंच नहीं अचानक से सुनाना पड़ रहा ना एक कहानी जिसकी सेंसिबिलिटी पूरी इंग्लिश है पूरा वो अंग्रेजी में बोला गया है और मुझे बाय द वे सब कुछ ऑन द स्पॉट बनाना पड़ा जी 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 नाम वाम सारे ना हाँ। मुझे वैसे वो कमाल था बनाने पड़े क्योंकि कहानी आगे मैं मैंने ये था कि मैं ट्रांसलेट करके सुना दूंगा फिर मुझे ये लगा कि ट्रांसलेट करूंगा तो फिर वो बहुत विचंद हो जाएगा तो मुझे उसका थोड़ा

<laughs> मेरे एक मित्र ने आपसे कुछ समय पहले मिलवाया और तब से लगातार तीन ताल का सित अपनी ताल मिला रहा हूँ बाकी सब बंद है ताऊ आप जैसा अवलोकन कुशल अगर इस जन्म में बन पाऊँ तो खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा क्या बात अनुभवी है? तो आप प्राय लोग हो ही जाते हैं पर उन अनुभवों का विश्लेषण करके औरों से साझा कैसे करना है ये कला कोई आपसे सीखे खानचा आप कमाल हो आप कोई प्रसंग सुनाते हो तो लगता है कालखंड की यात्रा करके वहीं ले गए हमें अपने साथ और सुनाते भर नहीं हो बल्कि दोबारा वो पल जिया देते हो कुलदीप सरदार आप जहीन हो मेरे भाई बहुत सहजता और शालीनता संभालते हो कुलदीप आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समय समय पर जिक्र करते हो उसके लिए हृदय से धन्यवाद वरना पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से घिरे पश्चिमी यूपी की हालत मंझली संतान जैसी है ना तो बड़े जैसा ज़िक्र होता है ना छोटे जैसा आप तीनों ही विशिष्ट हो पर यह तिकड़ी अद्भुत है जय हो आपकी बातों में अक्सर अपने अपने शहरों का जिक्र रहता है अपने शहर से रिश्ता ही कुछ अलग होता है आगे इन्होंने एक कविता लिखी है लिखा है ठंडी हवा में सुकून ढूंढते दिखूं तो देहरादून से हूं चाय की महक में खोया दिखूं तो कोयम्बटूर से हूं इतिहास की कहानियां सुनते दिखूं तो दिल्ली से हूं भीड़ में सपनों के पीछे भागता दिखूं तो मुंबई से हूं तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता दिखूं तो बेंगलुरु से हूं आस्था की गहराई में डूबा दिखूं तो हरिद्वार से हूं और थोड़ा थोड़ा हर शहर दिखेगा मुझमें मैं थोड़ा थोड़ा हर शहर से शैलभ त्रिपाठी ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने हर शहर के कैरेक्टर को नहीं ये हर हाँ जगह ट्रांसफर हुआ है घूमते रहे <laughs> हमको ये समझ में है। मतलब ये है कि <laughs> इतनी बढ़िया किनारे आपने। गंगा किनारे बैठ के सोचूं कि कूद जाऊं इससे पहले कि गंगा हमको बाहर के ले जाए <laughs> तो मैं भागलपुर से बहुत बाढ़ आई हुई है बिहार में बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत बुरा हाल लोगों का दो दो दशकों का कमाया हुआ Correct. बनाया हुआ घर mm -hmm. सैड साल की फसल तो गई ही और घर स्कूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब पानी हटेगा तो सड़कें चली गई होंगी तो हेलीकॉप्टर हो आप दिखा रहे थे जो रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर गई हेलीकॉप्टर हाँ वो डूब गया तो मैं भाग बताओ ये तो हर साल बहुत दिनों तक रहा हूँ पर जो तस्वीरें मैंने देखी हैं भागलपुर की अः तो मैं क्या कर सकता हूँ कुछ कुछ मदद के प्रयास हो रहे हैं जो नहीं, सरकार गैर सरकारी तौर पर भी करना और चाहिए सरकार भी कोशिश कर रही है पर जिनके ऊपर गुजरी है ना वही जानते हैं उन्हीं के ऊपर गुजरी है और ये बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे लोग वो हैं जो बहुत ऐसे सक्षम शक्तिशाली और दौलतमंद भी नहीं है राइट right. कहीं और चले गए होते तो उनके साथ एम्पथी और सिंपैथी रखिए बिल्कुल क्योंकि वो लोग जब इन्हीं परिस्थितियों से लड़कर हारकर आपके बड़े-बड़े शहरों में आते हैं तो आप उनको प्रवासी बिहारी कह के बुलाते हैं वो ठीक है पर थोड़ी तमीज रखिए उनसे वो इंसान है हाँ, उनसे बात बरतने के पहले कि किन परिस्थितियों से लड़कर या से हार लड़ कर, कर या हार कर और हार कर भी इस शहर में आए हैं वहां आए हैं क्योंकि वहां आने का मन तो उनका होता नहीं है मजबूरी बागमती गंगा सब नदी पगला जाती है बाहर और सब कुछ लेकर चली जाती है तो बस नहीं नहीं हम देखते रहिएगा क्योंकि उनमें से बहुत लोग फिर एक बार मजबूर होंगे मजबूर होंगे आपकी तरफ आने के लिए आपकी तरफ आने के लिए है कि उनकी तरफ बहुत कुछ नहीं आता है उनकी तरफ हम नहीं जाते मतलब यह शहर नहीं जाता मजबूरी उनको उनकी ले तरफ सरकार भी नहीं जाती आ, सही उनकी बात उनकी तरफ सरकार का खजाना भी नहीं जाता फ्री भी जाता है रेवड़ी जाता है टोकनिज्म जाता है।, है आपको आरक्षण दे, दे देंगे आपको साइकिल दे हजार रुपया महीना दे देंगे लिफा दे देंगे पर ये तो हकीकत है ना कि इतने सालों के बाद भी वहां पे एक ऐसा शहर नहीं है जिसको हम औद्योगिक शहर बोल सकें करेक्ट डेवलपमेंट के नाम पे पे आपको सिर्फ पे काटा गया है और जब आपदा और ये ये आता है तब तो खैर आपदा किसी के हाथ में नहीं होता उसको कोई रोक भी नहीं सकता जिस तरह का जिस तरह की बरसात नेपाल में हुई या ऊपर के क्षेत्रों में हुई तो पानी तो आएगा ही वो तो नेचर का काम है पर उसके निकासी के क्या इंतजाम है पर हाँ वो पे, वो उस पर तो बात हो सकती अगर है अगर को, कोई कह रहा है कि गंगा के कटान के के एरिया में आपने घर बनाया तो बहे तो तो ही बनने किसने दिया था और अगर अगर बन भी तो गया तो शरीफ उसका भी लोग लोग हैं पे मैं देखता हूं, मेरा मानना वो शरीफ लोग है। वो दिल्ली वाले लोग होते यमुना को काट काट बेचारे ठीक तो है आज की विजय साहब हैं लिखते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर फिर लिखते हैं नाना मतलब मेरा शहर जयपुर नहीं है आई वॉज बॉर्न इन कैलकाटा अप इन केरला एंड नाउ सेटल्ड इन जयपुर पापा का बिजनेस कलकत्ता और कोचीन्स में था सो so, कुछ साल कलकत्ता में रहा और कुछ साल कोचीन तिरपन साल का हो जाऊँगा सात अक्टूबर को देश दुनिया में भटक कर अभी जयपुर में नौकरी कर रहा हूँ और पिछले एक साल से तीन ताल का रेगुलर कस्टमर हूँ परिवार तीन जनरेशन पहले तो कस्टमर और देखते हैं परिवार तीन तो जनरेशन पहले राजस्थान से बाहर चला गया था फिर उन्नीस में मैं वापस राजस्थान आया और जयपुर में रहता हूँ ये मेरा पसंदीदा शहर है बनारस में कभी गया नहीं लेकिन जयपुर भी एक अच्छा शहर है आप लोग बनारस की इतनी बात करते हो मुझे लगता है जयपुर भी अपने आप में एक अद्भुत शहर है कभी इस शहर पर चर्चा कीजिए बिल्कुल चर्चा करने के लिए एक और टॉपिक मेरे मन में आया सोचा आपको बताऊं वो है फेयरवेल संस्था में जब इम्प्लॉई का ट्रांसफर होता है तो डिपार्टमेंट के लोग मिलकर उस इंप्लॉय को फेयरवेल देते हैं <laughs> इसके अच्छे मज़ेदार कस्से बनते हैं कभी आप इस पर चर्चा करें <laughs> फेयरवेल मज़ेदार होते हैं कई बार तो लोग ऐसे ऐसे कस्से सुनाते जो सुनकर फेयरवेल वाले व्यक्ति को भी विश्वास नहीं होता ये बातें उसके लिए बोली जा रही हैं हो सके तो जयपुर शहर और फेयरवेल पर चर्चा करें पहली बार में इतना ही विजय महावर जयपुर वाले नमस्कार पहले तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस अगले बुध को आपका बर्थडे बर्थडे है और जयपुर बहुत ड्राई डे को हुए सात दिन हो चुके होंगे सोचिए <laughs> आप एंजॉय कर रहे होंगे तो 30 30 30 90 अपन लोग की तरफ से अगर आप फिर बाबा के दम के वो पानी लेते हैं तो बनता है इतना आ गुलाबी मस्त नजर है जयपुर भी क्या शहर है जोड़ देते हैं उसमें बढ़िया तो बहुत शुक्रिया चिट्ठियाँ लिखते रहिए ऐसे ही और ऑडियो चिट्ठियाँ भी भेजिए साथ में और कॉमेंट्स जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डबल नाइन फाइव डबल थ्री टू डबल थ्री जीरो थ्री पर तो वहाँ पर आप अपना ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं और साथ साथ एक हमारी और दुकान भी है उसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं यार तो... यार ये बड़े शाही आदमी हैं हर बार ये कह के ना कि मेरे बॉक्स के लिए कुछ बोल दीजिए देखने लगे लोग अच्छा मैंने कभी नहीं कहा आज तक उस शो में लेकिन, लेकिन ये हर बार ये बात है? बोलते हैं कि इन्होंने भाई है कि इन्होंने मुझे बोला नहीं लेकिन नीचे से पैर मारते है तो शो है एक स्टोरी बॉक्स जैसे तीन ताल की बतकई है वैसे ही एक शो है अगर वो कहानियों के अंदाज में तो आप लोगों को मजा आएगा यूट्यूब पर नहीं है वो ऑडियो प्लेटफॉर्म है तो स्पॉटिफाई पर एप्पल पॉडकास्ट पर जियो सावन पर आपको लिखना है स्टोरी बॉक्स विद जमशेद स्टोरी बॉक्स में स्पेस नहीं है स्टोरी बॉक्स विद जमशेद लिखिए कहानी आएंगी सुनिए उसका भी आप फीडबैक दीजिए और कुलदीप होपफुली अगले हफ्ते आ जाएंगे तो संचालन उनका यही करेंगे और आपका तीन ताल जैसा था वैसे ही रहेगा एक और, और सुनने का एक फायदा होता है यार। मैं, मैं सुनने के पक्ष में रहा हूँ जी सुनने के करेक्ट सुनने में फिर इमेजिन करना पड़ता है सब कुछ हाँ इसीलिए हम उस शो को, को यूट्यूब पे लाए नहीं देखने का भी आपको बताओ मजा है देखने पिन... का भुतरा हो जाता है दिमाग <laughs> पहले रेडियो पे समाचार सुनते थे ईरान <laughs> ने इजराइल पर 181 एक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे तो दिमाग में दिख रहा है तो फिर अपन ईरान का नक्शा जराइल का नक्शा दोनों के बीच दूरी में कंफ्यूज मिसाइल. <laughs> मिसाइल तो हाँ. हाँ. और काम होने लगता था हाँ. तो काम होने से क्या होता जिस जगह पे काम होता है ना वहाँ पे सफाई बनी रहती है वहां पर कोई जाता है तो फिर ताऊ ने एक बार बेबाग बुधवार में ये बात बोली थी कि हमारे बॉडी का जो हिस्सा हम जिससे हाथ काम नहीं लेते हैं वो मसल्स काम नहीं करती और काम करना भूल जाती हैं तो जब आप सुनते हैं कमजोर भी हो जाती है जैसे मेरे हाथ ऐसे नहीं थे अगर आप वजन उठाते रहो धीरे तो धीरे वो और मजबूत हो, हो, हो जाते हैं, हैं। तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है अगर आप सुनते हैं क्योंकि कहानियों को हम चाहते भी हैं कि हम आपसे बताते हैं कि वो कहानी का ये सीन है तो आप इमेजिन करते हैं उसको तो उससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है और वो कहानियां भी ह्यूमन इमोशंस हैं आप सुनिएगा दूसरा एक और चीज देता हूँ फिर बोलेंगे तीन ताल अब पचास के ऊपर जा रहा है हाँ यूट्यूब पे तीन ताल को देखना चाहिए

इसलिए मुझे देखने के लिए आप ऐसे कहने लो वाले लोग, लोग हैं जाएगा है, जाएगा हैं। है। इनको फर्क नहीं पड़ता हाथ नहीं, नहीं, जाएगा, जाएगा, जाएगा मतलब स्तर नीचे जाएगा तीन साल का शुरू से <laughs> प्रॉमिस रहा है ये एक ही अकेला अकेली शहर दुनिया में जो अपने लेवल को एक दिन टच नहीं करेंगे हमारा सपना नहीं है बहुत ऊपर उठना नहीं अब थोड़ा सा हमारा सपना है कि एकदम नीचे जमीन पे चले जाए अब अभी भी हमारे अंदर ना एक इंटेलेक्चुअलता है नहीं नहीं बिल्कुल तीन तार बेबाक बिल्कुल आ, शो है जिसमें कुछ भी हम बात करते हैं और कोई फेवर नेताओ जब चाहे जिसको कभी इधर कभी उधर कभी लेफ्ट राइट सबका बैटिंग फील्डिंग बजा देते हैं नहीं मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ एक लाख पर वीडियो वाला व्यूज मतलब अंदर से मांगता है दिल में आ रहा है जब इतना प्यार मिल रहा है तो लालच भी बनता है देखिए लालची आप कब बनते हैं जब आपको मिलना शुरू होता है जब नहीं मिल रहा होता है ना तो आपको लालच पर वो है ना सुनने वाले आपके अब देखने में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी अच्छी, है। बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, है। अच्छी बात हो जाए। ठीक तो है तीन ताल देखते रहिए स्टोरी बॉक्स सुनते रहिए आज तक रेडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और, और शेर खान को तो आप सुनिए तो... अपना किए पड़े शेर खान, को देख भी सकते। हाँ। शेर खान को तो आप देख भी सकते इसी कमरे में क्या माहौल बनाता है वो काला पीला करके अच्छा आपने बता दिया इसी कमरे में जब अरे दीवार सबको पता होगा हाँ चलो ठीक है मैं वो देख रहा हूँ क्या लाइट के इफेक्ट आ रहे हैं <laughs> और अपने को ऐसे ऊपर से दिख नहीं पा रहे हूं नहीं, इसका बैठे हुए नहीं, 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 तो आज के लिए तीन ताल में इतना ही मेल करते रहिए एक बार फिर से बताते हैं रेडियो एट आज तक डॉट कॉम हमारा नंबर है डबल नाइन फाइव डबल थ्री टू डबल थ्री जीरो थ्री आज के लिए इतना ही जय हो जय हो जय हो